ये क्या है बे? अबे ये कब आ गई? मुझे नहीं पता, अभी पकड़ उसको। सालो चलती चलो। अरे परिसुतम, तो तुझे डर नहीं लग रहा? मैं क्यों डरूं? क्योंकि तुझे हम बहुत बुरी तरह मारेंगे। क्यों, अकेले मुझे ही मरना है क्या? क्या तू नहीं मरेगा? तू मुझसे भी बुरी मौत मरेगा। तुझे मारने वाला भी कोई आएगा, तब दिखाई दूंगा मैं तुझे। लड़की कौन है? तू इसे यहाँ क्यों लेके आया? इसने ये सब भी देख लिया? तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो? गधोए लड़की आई विटनेस है, मारो उसे। हे लड़की, रुक रुक रुक, प्लीज पा, फोन उठाओ पा। द्वारका, द्वारका तू कहाँ है बेटा? पापा, आप कहाँ हो? आवाज साफ नहीं आ रही है, तू कहाँ है बेटा? आप सुन रहे हैं ना? बात क्या है बेटा? आप ठीक तो है ना अपा? अपा, अपा, आप ठीक तो है ना अपा? द्वारका, अपा, अपा, कुछ बोलिए ना अपा। ए, 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 कहाँ चली गई? ढूंढो। अरे अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? लड़की, अबे यही होगी, ठीक से देखो, ठीक से देखो भाई, यही कहीं होगी। ए उधर देख, वो यहां से कहीं नहीं जा सकती, ध्यान से ढूंढो, यही होगी। फैजल फोन उठाओ, फैजल प्लीज। फैजल, मैं बहुत मुसीबत में फंस चुकी हूँ, कैसे भी करके मैसेज मेरे भाई के पास। ए, चल फोन दे, दे फोन। किससे बात कर रही थी? लड़की मिली? साली कब से घुमा रही थी? भाई पकड़ लिया है मैंने उसे। Thank you.
किसने इस लौंडे के पास वॉइस मैसेज छोड़ा है। पकड़े जाने से पहले मैसेज डिलीट कर दिया। भैया, इस लड़के को मैं जानता हूँ, मेरी कॉलेज का है। सर, लड़का उस मैसेज को कभी नहीं सुन पाएगा, और अगर सुन भी लिया तो सुनने के वास्ते जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कह रही है कोई हमें ढूंढते हुए आएगा, है कौन वो? मेरा भाई। चल ठीक है, आने दे जिसको आना है। परेशान हो गई हूँ, सारे घर के होल बंद कर दिए हैं, पता नहीं ये चूहे फिर भी कहाँ से आ जाते हैं। हे बाहर आ, तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं? ओ भाई, निकल जाओ ना, मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। माँ देखो ना इसे, ये बाहर नहीं आ रहा है, कुछ करो, इसे बाहर बुलाओ। तुझे कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाया कर, दोनों भाई बहन देर से उठोगे फिर तुम दोनों को टॉयलेट के लिए लड़ना होता है। रे पोरस, चल बाहर निकल। अंशु, क्यों ना तुम अपने पति को ये बोलो कि इस घर में एक और बाथरूम बनवा देंगे। हाँ आने दे, कहती हूँ। ले, तेरा भाई आ गया, इसे बोल दे। किसे? इससे। छी, चल साइड हट। चल निकल, चल निकल। देख ये बात भूलना मत, तू फ्यूचर एसआई से बात कर रही है इस वक्त। एक बार मेरा काम हो जाए फिर तुझे बताऊंगा मैं। चल बड़ा आया, एसआई बनेगा, निकल। माँ नाश्ता दो, बहुत भूख लग रही है। सांभर। थैंक यू। हे, कुछ एसआई बनने के बारे में बोल रहा था ना, अब तक एग्जाम भी दिया है। एसआई बनने के लिए पहले एग्जाम देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, फिर पोस्टिंग, तब जाके कहीं एसआई बनेगा तू। चल एक बात बता, तू एसआई बनके करेगा भी क्या? हे कांस्टेबल, मेरे घर सब्जी लेके जा। हे कांस्टेबल, जा मेरे लिए चाय लेके आ। हे कांस्टेबल, जाके कंप्लेंट फाइल कर दे। ए, जैसा तू सोच रही मैं वैसा एसआई नहीं बनूंगा, क्राइम ब्रांच का एसआई। तुझे एक मस्त क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ, आजा ध्यान से सुनना। चल सुना। एक घर में किसी का खून हुआ है, अगर मैं खून का विटनेस होता तो तू मुझे कैसे इंटरोगेट करती? चल मुझे बता, जल्दी बता। ठीक है, चल बता, तूने वहाँ क्या देखा? ए, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आपने वहाँ क्या देखा? ऐसे ही देख, उस घर में दो लाशें पड़ी थी, एक तो मर चुका था और दूसरे की सांसें चल रही थी। जिसकी सांसें चल रही थी उसी ने दूसरे आदमी को जान से मारा होगा। किसने क्या मारा? मैं तुझे बताता हूँ, तू ध्यान से सुनना। पहले वाला आदमी दूसरे वाले को मारने की कोशिश करता है तो हम उसे भी लाशी कहेंगे ना? ठीक है, फिर उसने उसे कैसे मारा होगा? अरे पेट में छुरा मार के, ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? सवाल ये है कि उसने उसे मारा क्यों? क्या बात माँ, तुम भी पुलिस वाली बन रही हो, वेरी गुड। ठीक है चल बता, उसने उसे क्यों मारा होगा? इसके दो रीजन हो सकते हैं, पहला इमोशनल होके उसने मार दिया होगा, और दूसरा उसने उसके फायदे के लिए उसे मारा होगा। दोनों के बीच फर्क क्या है? माँ मान लो हमारी लड़ाई हो जाती है, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ और तुम मुझे कस के थप्पड़ मार देती हो, फिर मेरा दिमाग घूम जाता है और मैं चाकू उठा के ऐसे घोंप देता हूँ। नहीं डरो मत माँ, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इसका मतलब जिसने खून किया है उसने जानबूझकर ये खून नहीं किया है माँ। दूसरे वाले का मतलब था जब मैं जानबूझकर पूरी प्लानिंग के साथ तुझे मारता तभी तुम्हारे हाथ पैर बांध के चाकू से तुम्हारा गला काट देता, इस तरह मैं एक साइको किलर साबित हो जाता। हे, कानून की नजर में तो दोनों ही जुर्म है ना? ऐसा नहीं। क्या कैसा नहीं होगा? पहले खून में थोड़ी सी इंसानियत की झलक दिख जाती है, जबकि दूसरे तरीके में खून बड़ी बेरहमी के साथ हुआ था। पहले केस में एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपनी जान बचाने के लिए मारा था, लेकिन दूसरे केस में आदमी का पेशा ही दूसरों की जान लेना है, और यही दोनों का फर्क है। क्राइम क्या हुआ सोचने की जगह क्राइम किन हालातों में हुआ ये सोचना चाहिए। इन सारी बातों को सोचने वाला ही एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता है। मेरा बेटा पुलिस बनेगा, जरूर बनेगा। बंद करो, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है, चल नीचे जाके बाइक स्टार्ट। तू ध्यान मत दे इस पर। रे पोरस, अपने बाबा का खाना तो ले जा। मुझे दो माँ। जल्दी से ले ले, चल। हे, जल्दी चलना। क्या कर रही हो? एसआई सर, क्राइम सीन पर जा रहे हो? नहीं, डिलीवरी करने जा रहा हूँ। पुलिस बनने की क्या जरूरत है, एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी बन सकते हो। तुझे हीरो बनने की जल्दी है ना?
जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी चलो ना। अरे यार टायर तो पंचर है, पर ये पंचर कैसे हो सकती है? तुम पहले नहीं देख सकते थे? मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि बाइक पंचर है। तुम्हारी कहानी सुनना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। द्वारका चल बैठ। क्या तुझे कॉलेज जाना है ना? अपना मुंह बंद रखो, मेरे भाई को पता चल गया तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, चल बैठ जा। ए सुन, इसे कॉलेज ड्रॉप कर देना। ला बैग मुझे दे। चले हेलो डूड, क्या है कि मेरी बाइक पंचर हो गई है, बाबा को खाना देने जाना है, तू आ सकता है क्या? मेरा अभी अभी हाल कुछ वैसा ही है। तू क्या बोल रहा है यार? एक बात क्या है? तुझे साउंड इफेक्ट सुनाता हूँ। तुम्हारा हिसाब खराब है। पहले तो नौटंकी करता, उसके बाद जबान भी लड़ा। उसकी शक्ल बिल्कुल रियाना से मैच करती है, इसलिए मैंने उसको लेटर भेजे थे। तुम लोग दूसरे एरिया की लड़कियों को लेटर देने से मना क्यों करते हो बे? अरे कॉलेज में भी तो ये सब लेना देना चलता है ना, तुम लोग उधर जाके क्यों किसी को नहीं मार? जबान लड़ाता है। सुनो चाचा, तू लड़की का बाप है इसलिए अभी तक चुपचाप बैठे लाऊं। अभी तूने फिर से मारा ना, मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। कौन है बाप? फिर तू कौन है? मैं उसका सीरियस वाला लवर हूं बे। लवर? हाँ, तू उस लड़की का लवर है? सुन रहा है ना मेरी बात? ये इस दुनिया में चल क्या रहा है? सुन भाई, मेरे को नहीं लगता ये काम जल्दी खत्म होगा, शायद मसाज सारा दिन चलेगी है, तो मैं मसाज लेके पहुंचता हूँ। मैं तेरे लव का दुश्मन हूँ बुड्ढे। चलो मारो फिर। मारो मारो इसे। क्या ये हा? बैंक में काम करने आती हो या फैशन शो हा? मुझे घूर क्या रही हो? अपना काम कर, चल जा जा। मैथिली वो तुझे भी बुला रहा है। Excuse me, sir. Yes, come in. आपने बुलाया था सर? मैथिली, डोंट कॉल मी सर। क्योंकि आप मैनेजर होने के साथ साथ उम्र में भी बड़े हैं। फिर भी तुम मुझे नाम से बुला सकती हो, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, समझ रही हो ना? ठीक है, एक बात बताओ, मुझे आगे क्या करना होगा? क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना भी पड़ेगा? सॉरी मैथिली, तुम जाओ और अपना काम करो। थैंक यू। तुझे खुद ही काम करना था, हमें ये नौकरी किसी की सिफारिश से नहीं मिली है। अगर ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश करोगी तो ऐसा ही होगा, तुम उससे ज्यादा अच्छे से बात करोगी तो उसे लगेगा तुम उसके साथ सो भी जाओगी। अपने सामान की रक्षा करना हमारा काम है, किसी और का नहीं। क्या है माँ? मैथिली, लड़के के घर वाले कब से तेरे इंतजार कर रहे हैं? एक परमिशन लेटर लेके आने में तुझे कितना टाइम लगेगा? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अपने पापा के बारे में तूने अगर फिर से कुछ उल्टा सीधा कहा ना, मैं तेरा घर से निकलना बंद कर दूंगी। माँ अपने पति से कह दो मेरा पीछा छोड़ दे। तू अगर एक घंटे में घर नहीं पहुँची ना बेटा, तो मैं इन सारे लोगों को तुझसे मिलने के लिए तेरे ऑफिस में ही ले आऊंगी। तेरी उम्र में लड़कियां शादी करके दो बच्चों की माँ बन जाती हैं, फिर तुझे शादी से क्या परेशानी है? क्या चाहिए आपको मुझसे? एक बच्चा ही ना। आप फोन रखो, मैं किसी और के साथ बच्चा पैदा करके आती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले जल्दी से घर आ। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर तीन पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबैट्स.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। फोन उठाओ। रोड ठीक नहीं है यार, तू सालों से एक ही लड़की से प्यार करते करते बोर नहीं हुआ? मेरे को तो हर महीने एक लाइन लड़की से लव हो जाता है। किसी लड़की ने तुझसे कभी बात भी की है? तो उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर तो तेरी पिटाई पक्का होनी चाहिए। ए उठो। एक एक्सीडेंट हुआ है।
चलो सब। अरे ऐसा काय को करता है, इधर को समझ नहीं आता। वही तो। चल जल्दी से नीचे उतर जा। ये आपने क्या किया? भाई देख बच्चा। ए, बच्चा ले और भेज दोनों को यहाँ से। रुको, बच्चा मुझे दे दो। देखिए सर, आसपास बच्चा मुझे दे, हम बच्चे को वहाँ लेकर देख लेंगे। सर दिखता नहीं, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। भूमंद रख, बच्चे को हम देख लेंगे, पहले तुम निकलो यहाँ से। सर सर ऑटो, सर यहाँ आप लोग निकलिए। जाओ तेरा बाप खुद अपना लंच क्यों नहीं ले जाता? तुम बाप बेटों के बीच में मेरी चटनी बन रखी है। नमस्ते सर। नमस्ते। अबे तू इसको भी जानता है क्या? भाई अपनी हर जगह चलती है। चल फेंक। मामा जी के बोझ को देख। औरस तुम अपने पापा का लंच लाए हो ना? बाबा कहाँ? पीछे है। पैसा खाने वाले पीछे मिलेंगे, ऐसे धरती के बोझ आगे मिलेंगे। मेरा मतलब स्टेशन के पीछे है, चल जा। अबे चलना यार। तूने तो कहा था तेरा मामा राइटर है, पर इधर तो कोई और ही सीन चल रहा है। पता नहीं अब तेरा बाप किसकी बजा रहा होगा। मैंने इसके बाप की इंसल्ट कर दी क्या? मत मारो साहब। पापा अरे भैया छोड़ दो। माने आपके लिए लंच भेजा है, उससे खाना ले ले। ला बरस, ये मेरे को दे दे। अरे छोड़ दो साहब। इसे इतनी बेदर्दी से क्यों मार रहे हो आप? पता नहीं, बड़े साहब ने मारने बोला तो मार रहा हूँ। तुम लोग जाओ। किस बड़े साहब ने मारने को बोला? इसका बाप अनजाने में इसको इतना मार रहा है, अगर इसको मेरा पता चल गया तो। दलपति बोल, देगा देगा फिर से लगा। छोड़ दो अंकल। दलपति नहीं अंकल। क्या हुआ तुझे? भाई जीजस को भी बस एक बार सूली पे लटकाना पड़ा था, पर तेरे बाप ने तो मेरे को 5 बार लटका दिया। मैं कुछ चल, मैं तेरे को समझाता हूं। अरे हुआ क्या है? सुन, तेरे को पुलिस वाला बनने का है ना? हाँ, तू देख तेरी हाइट बहुत सही है, उस हिसाब से तू एक पेंटर का काम कर ले, उसमें भी बहुत कमाई है। भूल के भी पुलिस वाला मत बनना, ये नौकरी बहुत खराब है। तू लव लेटर देना नहीं छोड़ सकता, ना मैं पुलिस बनने का सपना छोड़ूंगा। चल तुझे मैं सूली पे चढ़ाता हूँ, आ जा। मेरा गला तो छोड़। समझ में आया? देख गाड़ी में से बैल उतर रहा होगा। बोरस। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुझे भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है ना? लंबी लंबी दाढ़ी और मुझे हाथों में कंगन, देखने में तू किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा है। सर किसने कहा कि दाढ़ी मूछ वाला हर आदमी गुंडा बन जाता है? डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा, उसके पहले जैसी मेरी मर्जी मैं वैसे करता हूँ। इसलिए तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, अभी से ध्यान देगा तो परेशानी नहीं होगी। तेरे अप्पा पीछे है। हाँ ना, जाओ। चला जा। इसका कभी तबला बजाना पड़ेगा। ए, इंस्पेक्टर जा रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। बाहर निकाल उसको, अंदर लेके चल। ये साले पुलिस वाले किसी के कभी सगे नहीं होंगे, अभी ये क्यों भाग रहा है? देख इन लोगों ने आदमी बदल दिया। सर 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 सर, आपने इसे क्यों अरेस्ट किया है? दारू पी के एक्सीडेंट किया है। क्यों? लेकिन सर ये वो आदमी नहीं है, एक्सीडेंट आदमी। तू है कौन? चल निकल। सर ये कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर का बेटा है सर। ए, बाहर निकाल इसे। तो चल यहाँ से। मामा लिखो। यहाँ। बात है। इसको लॉकअप में डाल। हवलदार, जैसे बता रहा हूँ वैसे एफआईआर लिखो। चल। तुम लोग अब जाओ घर। तुम जाओ, मैं इसको ले जाऊँगा। चल चलते हैं। क्या बाबा? आपको भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो? मुझे पूरा यकीन है। अभी तू घर जा, बाकी बात वहीं करेंगे। बोरस, तुझे बात समझनी पड़ेगी। वो सब लोग बड़े घरों से हैं। हम चाह के भी उनका कुछ नहीं कर सकते। एक बात आप जानते हैं मामा जी, हमारे समाज में पता क्रिमिनल कैसे पैदा होते हैं? जब उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें बचाने के लिए ऑलरेडी कोई है। आज इसी गलती की वजह से 3-3 लोग मुजरिम बन चुके हैं। चलता हूँ। संभल के जाना। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तू टेंशन मत ले। तेरा भाई काउंसलर है, काम हो जाएगा, ये मैटर वो सेटल कर देगा ना। पुलिस वालों का ये सारा रोज का काम हो गया है। भैया चाय। वो पीछे बाइक तुम्हारी है क्या?
हाँ उसको क्या हुआ, जाके देख लो, नहीं तो तुम्हारी बाइक बैठने लायक भी नहीं बचेगी। ले मेरी चाय पकड़, मैं आता हूँ। अरे स्टैंड जमीन में घुसा जा रहा है, चल नीचे उतर। ए भाई सिगरेट पी रहे तो निकल। क्या बे? निकल मोटे वरना बाइक में आग लगा दूंगा। मेरी बाइक चलाएगा? चल बे नीचे उतर। आखिर बात क्या है? मैं बाइक से उतरने की बोल रहा हूँ, ये लोग बाइक चलाने की बात कर रहे। क्या है रे? बोला ना सिगरेट पी के चला जाऊंगा, चल निकल अभी। अबे दलपति बोल रहे ना पी के नीचे उतर जाएंगे। जब वो नहीं मान रहे तो अपनी इज्जत क्यों डुबा रहा है? मेरे बोलने से नहीं माने तो तेरे बोलने से क्या मान जाएंगे वो लोग? सही है भाई, बड़े लोग का इम्पैक्ट ही अलग होता है। वो सब लोग बड़े घरों से हैं, हम चाह के भी उनका कुछ नहीं कर सकते। ए, साले तुझे कहा ना तुझे हीरो बनने का शौक है क्या? ए, मेरा फोन चार्ज हो गया। हाँ भैया यही था। चल जा। बोलो मैथिली। हो कहाँ तुम? पता है मैं कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ? क्यों, क्या बात है? तुम्हारे ससुर जी ने फिर से अपने लिए एक नया दामाद ढूंढ लिया है। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा कोई देखने आए तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फोन रखो मैं आ रहा हूँ। दलपति उसका ड्रामा फिर से शुरू। तेरा ससुर फिर से रिश्ता लिया है ना? एक मिडल मैन बनके वो अच्छा पैसा छाप सकता है। मैथिली ने बोला है ना बस उसको तेरे से शादी करनी है, फिर उसके बाप की क्यों सो लग रही है? जब हम लोग स्कूल में थे तो मैंने तेरे से कहा था कि पत्थर मार मार के तेरे ससुर का थोपड़ा बिगाड़ देते हैं, तभी तूने मेरी बात सुनी थी ना। Hey Porus, तो ये यकीन है ना कि मैथिली हमारा नाम नहीं लेगी? तुझे पता है मैं और मैथिली कब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं लेगी। ये लेटर आपकी डॉटर की नोटबुक से मिला है। क्लास के सारे बच्चों का कहना है ये लेटर उसने आपकी बेटी को दिया है, लेकिन आपकी बेटी से पूछने पर ये कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है। इससे कहिए मान ले कि ये लेटर इसे उन दोनों ने दिया है, मैं उन दोनों को अभी स्कूल से निकाल दूंगा। उसने ही तुझे लेटर दिया था ना? अरे मत बोलना मत बोलना मत बोलना। बोलती है लगाऊं एक? हाँ पापा उसने ही दिया था। रे पोरस इसने तो फंसा दिया रे। अरे तूने तो कहा था कि ये तेरे प्यार में पागल है। पहले दोनों को स्कूल से निकालिए। ए तुम दोनों चलो अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। कैसे घूर रहे नालायक। हाथ आकर, हाथ आकर। पर सर लास्ट वीक मैंने ही उसे लेटर दिया था। उसने तो मेरे लेटर का रिप्लाई किया है। सुन रहे बुड्ढे, तेरी बेटी ने हाँ कर दी है ना, इन दोनों को मिला दे, इसमें तेरा ही भला है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? तुम स्कूल में पढ़ने आते हो या इश्क लड़ाने? मेरी बेटी फंसाने की हिम्मत कैसे की? हल्की दाढ़ी मूछाने से क्या तुम बड़े हो गए? पहले कमाना सीखो फिर शादी की बात करना। सर इतना डोसा खा के ऊपर जाओगे क्या? ये सब क्या है? दलपति तुझे पता है ना कि ये मेरी पहली सैलरी है, मैंने माँ को भी सैलरी नहीं दी है, पहले इनको दिखाने के लिए आया हूँ, बता दे इनको। चटनी डालो। उड्डे इतना ठूस के किस दुनिया में जाना है, पहले लड़के की बात भी सुन ले। तूने कहा था पहले कुछ कमाना सीख उसके बाद करना, अब इसने कमाना भी सीख लिया, अब अपनी बेटी की शादी करा दे। के बारे में बता। लोगों का खाना बांटने का काम है। खाना बनाने का काम है, कंपनी का नाम क्या है? स्विगी बे। ये फूड डिलीवरी कंपनी है ना, इस काम में कितना कमा लेता है, ये काम करके तुझे शर्म नहीं आती? शादी होने से पहले तूने कौन से झंडे गाड़े हैं? एक अच्छी इनकम के साथ मेरे पास परमानेंट जॉब भी थी, मुझे जानना है कि मेरी बेटी को ये अच्छे से पाल सकता है या नहीं। बुड्ढे तुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। इसमें अभी टाइम है। ए, ए, अभी बहुत देख लिया तेरा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल, मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ, तू कोई ना कोई बहाना मार के इन दोनों को अलग कर देता है। ओरस मेरी बात मान ले, इस बुड्ढे के जीते जी तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी, इसको टपका के मैं जेल चला जाता हूँ, तू अपनी आइटम से शादी बना ले। अपना हाथ हटाओ। अबे मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, ये बता कोई आइडिया मिला क्या? तुझे आइडिया सुनना है ना, देख अब मेरे को उस बुड्ढे का थोपड़ा देखने का ही नहीं है, समझा? क्या होगा? सीधे ऑपरेशन का डाल। क्या बोल रहा? ऑपरेशन? अरे पहले ये वाला ऑपरेशन नहीं, मेरी बात सुन, अगर तुझे और मैथिली को शादी करनी है तो मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है विद साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट?
अपने दिमाग में चलाना। ए, भूल गया बचपन में अपन दोनों ने कितना डीवीडी देख लिया। तुझे मेरे आइडिया पर डाउट हो रहा है। अरे काका तुम ये सब कब से देख रहे हो? तुम यहाँ पर आए हो तब से। दलपति तू सबका वीडियो क्यों शूट कर रहा है? YouTube चैनल पर डालूंगा। चाचा अपनी इज्जत का सवाल है चाचा। पहले तू चल यहाँ से, चल जल्दी, चल तेरे बाप जैसा हूँ। देखते हैं चल बैठ। मानते कि नहीं? हाँ भाई अभी मैं बुड्ढे के घर पे हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ तो ऑटो में सब बंदों को लेके आ जाना। क्या रे बुड्ढे तेरे घर में कोई फंक्शन है क्या? तूने तो अपने को बुलाई नहीं। सुन भाई अभी तू ऊपर जा। यहाँ ना रे आंटी चल कॉफी लेके आ। भाई साहब ये लोग कौन है? प्लम्बर है, कनेक्शन ठीक करने आया है। तमाशा करने का बहुत शौक है ना, अभी पुलिस बुलाता हूँ। ए मेरा फोन दो। अबे सुन बे बुड्ढे तू इतना क्यों भुदक रहा है? ये ले मेरा नंबर है, इसे पुलिस को बुला। हमारी और बेइज्जती मत करा, दरवाजा खोल। हे तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे करी? सुनिए अब ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बुड्ढे? मैथिली इतना कैसे उसने उसको अंदर खींच के दरवाजा बंद कर लिया? इधर से आगे अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा इरादा क्या है मैथिली? मुझे देखने के लिए एक लड़का बाहर बैठा है, उसे डर के मारे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये काम करने के लिए तुम्हें जो करना है करो। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्या? शुरू करें? मैथिली गलत है। मैथिली तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? दरवाजा खोल मैथिली। चाहिए क्या ले लौंडे? ऊपर से कुछ डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, वहाँ क्या चल रहा है? कदे कमरे में जब लड़का लड़की अकेले होते तभी आशिकी गाने थोड़ी ना बजेंगे। ए बुढ़िया तेरे दिमाग में कुछ कमी, अपने पौधे को सिखाया नहीं? तुम मेरे परिवार का अपमान कर रहे हो। ए चल बकवास बनकर, उसके ऊपर जाते ही तेरे परिवार का अपमान शुरू हो गया था। चलो भागो इधर से। लोग भी इज्जतदार घर से हैं। चलो उठो सब। बुड्ढे तू इतना क्यों उड़ रहा है? He is my father. सर्वम आपने क्या हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? चलो चलो सब लोग इधर से। अबे एक घंटे से तेरे से ये संतरा नहीं छिला गया, चलो निकलो इधर से। तू सच में मेरी बेटी ही है ना? मुझे क्या पता, तुमने कहा था मैंने मान लिया। अयो भगवान, अब जिससे भी अपनी बेटी की शादी करवानी है आराम से करवा लो। चल दलपति तू चल। ए, तो पुलिस के पास कुछ मिला रहा था ना, कुछ जवाब मिला? लास्ट कॉल मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसमें अभी रिचार्ज नहीं है। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पानी हमें वापस दो, हमारा पानी हमें वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारे खेत हमें वापस दो, हमारा पानी हमें वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पानी हमें। सुन ये लोग आराम से हाल पर बैठे हैं, वापस दो, इनके पास कुछ भी करने का राइट नहीं है, हमारे पास है, वापस दो। आप सब लोग यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या ये गलत पता नहीं है? फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल लाखों लोगों की जान ले लेगा। वैसे भी तुम लोगों की सरकार और कानून कब आम लोगों के लिए खड़े हुए हैं? ये सरकार और कानून बस बड़े लोगों के लिए ही हैं। अब तो चाहे सरकार हो चाहे कानून हो, सब पैसे वालों की जेब में पड़े हुए हैं। सर आप इलाज के लिए अपने बच्चों को हॉस्पिटल भी तो ले जा सकते हैं ना सर? ट्रीटमेंट कोई चांस ही नहीं। वैसे भी मैं तो अब बचूंगा ही नहीं, मेरे अलावा और कोई भी बच्चा इस बीमारी से नहीं मरना चाहिए। इस अनशन में भाग लेकर मैं शांति से मरना चाहता हूँ। हे टीवी क्यों बंद कर दिया तुमने? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तेरा दिमाग खराब है क्या? देख रही है देश में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। ला रिमोट दे मुझे। मैं नहीं रिमोट दे मुझे। खाना नहीं दूंगी। कहा जा रही है रिमोट दे। हे रिमोट तुम दोनों फिर शुरू हो गए। रिमोट दे माँ, रिमोट दे दे उसे। नहीं रिमोट दे मुझे। ये सब देखकर क्या तुम सारे देश की परेशानी खत्म कर दोगे? सारी दुनिया जानती है परी सुतम अभी नेदन चड़ी के अगेंस्ट लड़ रहा है, उनके लिए बस वो फैक्ट्री की एक प्रॉब्लम है,
इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हम डेली लाइफ फेसबुक पर देखते हैं। क्या बोल रही है तू? टीवी पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातचीत हो रही थी। रिमोट दे दे उसे। तू मुझे रिमोट दे। रिमोट दे मुझे। नहीं दूंगी। पहले रिमोट दे, जल्दी रिमोट दे मुझे। ले रिमोट। न्यूज भी चली गई। तुझे न्यूज ही देखनी है ना? रुको एक मिनट। हमारी चीफ ने कैलाश से एक वीडियो भेजी है, मैंने तुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दिया है, देख उसे और एंजॉय कर। मेरा फोन कहाँ चला गया? One teacher cannot write all subject. How can one student learn all? कैसी लगी? तूने दोबारा मुझे ऐसे फालतू मैसेज फॉरवर्ड किए ना तो? तू ठहर जा, तुझे WhatsApp पे मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तेरा फोन भी ब्लॉक कर दिया। कर दे ब्लॉक। चल जा यहाँ से। चल भाग। मैंने इस फैक्ट्री के बारे में लोगों को समझाने के लिए अपना सारा टाइम लगा दिया है, बदले में मुझे क्या मिला? सब मुझसे सबूत मांगते हैं। मेरा बेटा है सबूत, इसे ब्लड कैंसर है। आप अपने बेटे के मरने तक ही अनशन करेंगे? किसी के मरने की बात सुनकर ही आप लोग हमारे पास आए हैं। इस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे आसपास की हवा में मिल रहा है और हम 10% टॉक्सिक गैस इनहेल कर रहे हैं। इस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट ने झील में मिलकर सारा पानी खराब कर दिया है, जिसमें हाइड्रोजन कॉन्टिनेंट 8 से 10% तक बढ़ चुके हैं। कोई आइडिया है 10% से ऊपर जाने पर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोसल्फेट क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है? गूगल पर सर्च करो जाकर। बिना फैक्ट्री के देश कैसे आगे बढ़ सकता है सर? तुम सब लोग चेन्नई से ही हो? हाँ, चेन्नई में 50 साल पहले कुवम नदी के किनारे पर कौन बसा हुआ था? वो ही गरीब लोग हैं सर। अब वहाँ पर कौन बसा हुआ है? वो ही गरीब लोग हैं सर। ये जानकारी कहाँ से मिली तुम्हें? कहाँ से मिली जानकारी? ये जो सरकार है ये अपनी जड़ तक खोखली हो चुकी है, समझे? सब बिक चुके हैं। कौन सर? जिन लोगों को हम अपना वोट देते हैं, MLA, MP, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सबसे जरूरी नडन चेजिया। अगर ये नहीं आते हैं तो हम मरने तक अनशन जारी रखेंगे। वापस दो हमारा पानी, वापस दो हमारे खेत, हमें वापस दो, वापस दो, वापस दो। देखो तुम्हें भी पता है चीफ तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की कितनी इज्जत करते हैं। MP सीट मिलने तक तुम्हें अपना नाम खराब नहीं करना है। कम से कम इंटरव्यू तक तुम्हें शांत ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे अगेंस्ट जहर उगलने के लिए ओपोजिशन वालों के पास बस यही एक टॉपिक है और वो इसी बात को उछाल कर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। इस मामले के बारे में जल्द से जल्द कुछ सोचो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बस सही मौके की तलाश है। तुम्हें ऐसे लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें कल कोई और बड़ी न्यूज मिल गई तो ये इन सबको भूल जाएंगे। बस ध्यान रहे ये 10 लोग कल 10,000 ना बन जाएं। अकेले आप ही दिमाग से नहीं खेल रहे सर, सब दिमाग से खेल रहे हैं, यही तो परेशानी है। जवानी में कभी जब स्टेट में मैं आया था तब एक सड़क चाप गुंडा हुआ करता था। उस समय नेताजी ने अपने पास रखा, मुझे काम दिया, पैसा कमाने के लिए मुझे ये फैक्ट्री दी। अब तक मैंने जितना भी पैसा कमाया है उस सब के बाद भी उनका एहसान नहीं उतार सकता। ये हमारे कुटुंब की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। अगर ये फैक्ट्री हाथ से चले गई तो तेरा ये बाप भी अपनी जान दे देगा। इंसान की किस्मत जीने में है। कुछ लोग आम जिंदगी जीते हैं, कुछ दूसरे आम लोगों को आदर्श बनाकर, और कुछ लोग अपने लालच में जीते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग ही राजाओं की तरह जीते हैं। हमारे परिवार की इज्जत अब तेरे हाथ में है। अप्पा, अब चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप चिंता मत करो। हे, ये अभी काम ही लगा। केमिकल्स, इन्हें इंसान ने इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए बनाया, लेकिन अब ये इंसानी सभ्यता को मिटाने तक पहुंच चुके हैं। कारण सत्ता और ताकत की भूख। जैसे ही फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम शुरू होता है हवा दूषित होने लगती है। उनकी गंदगी को नदी, झील, तालाबों के साथ साथ अंडरग्राउंड भी बहाया जाता है। उस पानी में हम अपनी फसलें उगाते हैं। हवा, पानी और खाने के साथ साथ साइंस के हिसाब से ये केमिकल्स वापस हम तक पहुंच जाते हैं। आज हर किसी को कोई न कोई बीमारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए दवाई और बीमारी के अलावा कुछ नहीं बचा है। अभी ये सब बंद करो। केवल एक इंसान की अच्छी जिंदगी के लिए उसने सारे कस्बे को गंदा कर दिया है। सब लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उसके पास पैसा और पावर है। हम लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए स्वर्ग से भगवान नीचे नहीं आने वाले। हमें खुद ही खुद को बचाना होगा। जो मेरे बेटे के साथ हुआ कल वो आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना चाहते हैं? बच्चों को मारना है या जिंदा रखना है, ये आप सोचें।
नेडू सिंजन को हराने के लिए मुझे पैसा या ताकत की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ जीतूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ए, चल यहाँ से, ये आदमी बकवास कर रहा है। क्या, कौन बकवास कर रहा है? चल तू जा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब हम किसी से नहीं डरेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नेडू सिंजन वापस जाओ, एकजुट कर रहे हो क्या? ये जानने के बाद वो तुम्हें छोड़ देंगे? वो मेरा क्या कर लेगा, मार ही देगा ना, मारने दो उसे। मैं बस एक मच्छर हूँ, मैं उसकी करनी से परेशान हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा। कल एक भीड़ उसकी करनी से परेशान होगी, जब तक उसमें जान होगी वो लड़ता रहेगा। पर एक दिन एक शेर उनकी करनी से परेशान होगा। वो लोग एक भेड़, मच्छर, कुत्ते, बकरियों को आसानी से मार सकते हैं, लेकिन वो लोग शेर को नहीं हरा सकते। अरे पोरस। अरे बोला दलपति। द्वारका नीचे रो रही है, पूछ उससे क्या बात है। ए, तू रो क्यों रही है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलना, क्या करूं इस बॉल का मैं, बोलना। चल रहे बॉल बैक। भाई कोई आ रही है। ए, तो बॉल बैक। अरे क्या शॉट मारा है भाई, क्या? अरे कभी ऐसा शॉट नहीं देखा तूने? क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? हाँ, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ए भाई लोग, लड़की डरी नहीं मेरे से। ए चल बॉल दे अभी। अब ये बॉल मेरे भाई से लेना। क्या रे, कौन है तेरा भाई? मैं तेरे भाई से डर जाऊंगा क्या? मैं ग्राउंड में ही खेल रहा हूँ, तू भेज अपने भाई को। सेल्वम का भाई गुना मेरे पीछे पड़ा रहता है, कहता है मुझसे शादी करना चाहता है, कहा है तुमसे मिलना चाहता है। अभी पास वाले ग्राउंड में ही है। जाओ भैया, जाओ जाओ, जाके उसे सबक सिखाओ। ए गुना। ए रुको रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी बहन को टच किया। ए चल मैं निकल यहां से। अबे यार तू ऐसी छोटी बातों को लेकर क्यों थका रहा है? ए, ए, इस कुत्ते की एक हड्डी भी नहीं बचनी चाहिए। हाथ छोड़ मेरा। छोड़ दे भाई। क्या भाई, इनको कुत्ता बनाने की जगह तू कबड्डी क्यों खेल रहा है? ये कबड्डी नहीं है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। चल चल छोड़ दे, अभी ये सब समझ जाएगा। चल निकलते इधर से, मुझे पुलिस वाला बनना है, ऐसे झगड़ों में तेरे को नहीं पड़ना चाहिए। तू मेरे होने वाला साला, इसलिए मेरे आदमी ने तुझे जान से नहीं मारा। इन सबके पास हथियार भी हैं, आगे से जरा संभल कर रहना। एक मिनट, ये बस एक छोटा सा मैटर है, मैं उससे बात करता हूँ। तू अभी एक मिनट इधर के रुक, मैं आता हूँ। अब बता तेरे को क्या परेशानी है। हे गुना, तू अपने पास हथियार रखता है ना, लेकिन अपना दोस्त चलता फिरता हथियार है, एक झटके में ऊपर पहुंचा देगा। तू एक काम कर, अपने सारे हथियार भंगार में बेच के अपने हाथ पैर जुड़वा ले, समझा टुंडे? हे ओ साला, किसी की सुनता ही नहीं। तुम अंदर जाओ। रुक जा,
तुझे गुंडा बनना है या पुलिस वाला? पहले मुझे एक इंसान बनना है बाबा। हमारी आंखों के सामने से कोई मर्डर करके निकल जाता है, बदले में पुलिस किसी और आदमी को अंदर डाल देती है और आप बस चुपचाप देखते रहो। कोई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उनसे बातचीत नहीं करूंगा, उन्हें सबक सिखाऊंगा बाबा। सुन, तू पहले ये पकड़, अपना मुंह पोछ ले। तुम कभी चुप नहीं रह सकते। अच्छा, इस गुस्से का कुछ नहीं किया तो तू कभी पुलिस वाला नहीं बन सकता। ये मैं भी जानता हूँ बाबा। पुलिस बनने के बाद जब तुम्हारे पास पिस्तौल होगी तब तुम पक्का किसी का खून कर दो। हाँ, ऐसे ही लोगों को मारूंगा मैं। तुझे पता नहीं है तेरा ये गुस्सा तुझे एक दिन कहाँ ले जा सकता है। अभी तूने उसे मारा है, मौका देखकर वो तुझे मारेगा या फिर पुलिस कंप्लेन कर देगा। केस फाइल हो गया तो तुम पुलिस नहीं बन पाओगे। इस सब के गुस्से में तुम उसकी जान भी ले सकते हो। 5 सालों में वो यहाँ नहीं होगा पर तुम होगे। तुम्हारे पिता होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, ऐसे गुंडों के मुंह मत लगा करो। हम तुम्हें क्या इसलिए पाल रहे हैं? अहिंसा जो हिंसा को बर्दाश्त करने की सलाह देती है उसे किसी के ऊपर की जाने वाली सबसे बड़ी हिंसा कहते हैं। तो तू ये लड़ाई झगड़ा कभी खत्म नहीं करेगा, है ना? इसका फैसला मैं नहीं, मेरे दुश्मन करेंगे। उस दिन क्या हुआ था? किस दिन? जिस दिन तेरा बॉयफ्रेंड तेरे कमरे में आया था उस दिन। कुछ भी नहीं हुआ। मतलब क्या? मतलब बिना कुछ हुए ही तेरे कमरे से ऐसी आवाजें आ रही थी। तुझे ये सब किसने कहा? तुम्हारी माँ ने। हे माँ। मैं बता रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक अच्छा इंसान है बस। अच्छा इंसान है? मैं कुछ समझी नहीं। क्या समझ नहीं आ रहा? उस दिन क्या हुआ तुझे बस ये जानना है ना? हाँ। हे, ये सब गलत है। शादी से पहले हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा दोनों बाहर हैं। प्लीज रुक जाओ ना। हेलो बॉस। हाँ, इतना मत पी, किसी दिन लिवर फेल हो जाएगा। देख तेरा फोन बज रहा है। हाँ बोलो मैथिली। एक बात का जवाब दोगे? क्या बात है? हम शादी कर ले क्या? ए, तुझे बोला ना अभी शादी नहीं कर सकते, थोड़ा वेट कर। और कितना वेट करूं? तुमने कहा था पहले तुम्हें अपना एग्जाम क्लियर करके एक पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके बाद तुम्हारी बहन की शादी होगी, तब कहीं जाके तुम मुझसे शादी करोगे, है ना? देखो मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? हाँ तो एक काम करते हैं, हम पहले सुहाग रात मना लेते हैं, उसके बाद शादी भी कर लेंगे, ठीक है ना? गुड कल्चर। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे ये उल्टी सीधी पट्टी कौन पढ़ा रहा, मुझे ये बता। ए, उसका बाप पनीर भी आ गया। देख ऐसा खुले सांड के जैसा घूम रहा है। आओ पनीर, तेरे को भी जिम में वर्कआउट करने का क्या? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अपनी बेटी की शादी के बाद? लड़का कौन है तेरा? अमेरिकन गधा तो नहीं जिसको एक संतरा तक ठीक से छीलना नहीं आता? नहीं। फिर कौन है? लड़का हमारे कस्बे से है। अपने कब से? ए, तू फिर से एक्शन के लिए रेडी हो जा, अपने को फिर से धमाका करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, मैं इस लड़के को अच्छे से जानता हूँ। हमने तेरे सारे खानदान को तो भगा दिया, फिर ये नया लड़का कौन है? उसे जानते हो, मैं पोरस की बात कर रहा हूँ। क्या? अपना पोरस? रे पनीर, इतने सालों तक तू तस्से मस नहीं हुआ, अभी एकदम से कैसे बदल गया? अगर मैं अब भी नहीं माना तो हम तेरे को टपका देंगे। तूने भी तो कल यही कहा था, देख तेरा ससुर खड़ा है। हम एक अच्छा मुहूर्त देख के तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। अपने पनीर, तू भी पक्का प्लान बना के आए? ए पनीर, तूने बहुत सॉलिड न्यूज़ दी है, मेरी साइड से 2 बियर खरीद के पी लेना है। अरे पोरस, अब तेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, अब मेरे को परेशान मत करना भाई, ठीक है? अब दोनों मजे करो। अरे पनीर, मैं भी आ रहा हूँ। मैं जाके बात करूँ? छोड़ ना यार, वो हम लोगों से बात नहीं करेंगे। कृष्णा, लड़की देखने में बुरी नहीं है, किसी दिन इसे उठाई लेते हैं। चल चौधर, नीचे उतार। साली तू नहीं सुधरेगी ना। हाँ हेलो, क्या बात है, क्या परेशानी है? मैं इससे बात कर रहा हूँ। फैसल, तो क्यों रो रही है? अभी क्यों रो रही है? रोना बंद कर, भाई ने मेरा हाथ तोड़ा तब तेरा रोना निकला था, नहीं ना? अभी क्यों रो रही है फिर तू? देख मेरा दिमाग खराब हो रहा है, रोना बंद कर दिया या मैं इसका गला काट दूं? हाँ नहीं, इसे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। देख मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मैं खुद नहीं जानता मैं कब क्या कर दूंगा। अगर मैंने दोबारा तुझे इसके साथ देखा ना तो इसका गला काट दूंगा। ए, चल गाड़ी निकाल। फैसल,
ए, इसकी जिंदगी अब तेरे हाथ में है। चल गाड़ी चला। क्या बात है भाई? ये मेरी बहन है। आपका भाई लव के बहाने मेरी बहन को रोज टॉर्चर करता रहता है भाई। मेरी बहन का तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है, आप इसे खुद पूछ सकते हैं। ये रोज मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, इसकी वजह से मैं आराम से कॉलेज भी नहीं जा सकती। मुझे तो पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं आए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तू इसको घर लेके जा, इसको मैं समझा दूंगा। मैं ऑलरेडी पहले इसे दो बार समझा चुका हूं भाई, एक बार तो इसका हाथ भी टूट चुका है। गाड़ी से गिरने से तेरा हाथ टूटा था ना? नहीं भाई, बात ये है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है लड़कियों के पीछे नहीं जाना? हमें अपने एरिया की लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अब मेरे पास तेरी एक और कंप्लेंट आई ना तो तुझे ऐसा फाड़ूंगा कि डॉक्टर भी नहीं सील पाएगा। सुनो, इसने तुम्हें फिर से परेशान किया ना, तुम मुझे कॉल करना, आगे मैं देख लूंगा। ए, तुझे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? तू प्रॉब्लम मुझे भी तो बता सकता था ना। जिस लड़की से मैं लव करता हूँ, अगर उसे कोई परेशान करेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? क्या मतलब? लव करता है क्या? ये बात तूने उसे बताई है क्या? पहले तुम ही बताओ, मैं उसे बताऊं या नहीं। ए, कोई शुभ मुहूर्त देखकर अपने घर वालों को बोल के आके बात कर लें, समझ गया ना? तो मुझसे प्यार करते हो, ये बात तो मेरे भाई को बता सकते हो, लेकिन सीधे मुझे नहीं बता सकते। देख, तुझसे पहले उसे बताता तो पता नहीं वो क्या करता, हमें अलग कर देता या फिर गुंडों को बुला के मुझे बहुत मारता। ठीक है, चलो अब बताओ। क्या? हे, तुमने तो कहा था कि मेरे भाई के मान जाने के बाद ही मुझे बताओगे। ए द्वारका, आ रही हूँ माँ। हे हे, जब मेरा भाई किसी को मारता है ना, उसे गुंडों की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग रेडी हो? तो चलो, सब कोई रेडी? हे दिव्या। हे, उसने बस एक बार ही किया ना, तू क्यों उसको ऐसे देख रहा है बार बार? रे कृष्णा, दिव्या को बुला, कब तक उसे ऐसे घूरते रहेंगे? दिव्या, एक मिनट इधर आना प्लीज। हाँ। तू जा अभी, मैं देखता हूँ उसको। All the best, dude. मेरे फ्रेंड्स को तुमसे कुछ बात करनी है, तुम चलो मैं आता हूँ। इन्हें मुझसे क्या बात करनी है, मुझसे क्या चाहिए? नंबर चाहिए था तुम्हारा। हाँ? क्यों? एक वीडियो है, भेजता हूँ देखो। कैसी वीडियो? तुम्हारा और कृष्णा का इंटीमेट। इस चप्पल से मारूंगी तुझे। मारना, मारना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार इस्तेमाल हुई चीज दोबारा इस्तेमाल नहीं करता मैं, आई प्रॉमिस। मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात उसकी है, सारा दिन उसी वीडियो को घूर घूर कर देखता रहता है। हे, कृष्णा से भी बात कर ली है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुमसे शादी करने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। देख, तू भी जानती है
इस वीडियो का हम क्या क्या कर सकते हैं, जानती है कि नहीं? ए, ये काम हम तेरी मर्जी के बिना नहीं करना चाहते। वही महाबलीपुरम होगा, वही रिसोर्ट होगा, वही रूम नंबर। आओगी ना तुम? जरूर आओगी। वही महाबलीपुरम, वही रिसोर्ट होगा, वही रूम नंबर। आओगे ना तुम? द्वारका, बोल तू मेरे से लव करती है, नहीं तो मैं खुद को आग लगाकर तेरे से लिपट जाऊंगा। हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं ना? मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है गुड़ा, प्लीज। तुझे डर लग रहा है? तुझे डर लग रहा है? तुझे क्या लगता था अपने भाई को बीच में लाकर तू बच जाएगी? बोल तू मेरे से लव करती है, बोल तू मेरे से लव करती है। मुझे छोड़ दो गुना, मैं तुमसे ही प्यार करती हूं, मैं तुमसे ही प्यार करती हूं। तो बाद में पलटेगी तो नहीं ना? ठीक है जा। ए द्वारका, आई लव यू। मैंने ये जंग अकेले लड़ी है, कभी पिटीशन साइन करके लड़ी है, तो मैं लोगों को एक साथ करके भी लड़ा हूँ। अब हम ये जंग लीगली कोर्ट में लड़ेंगे, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। इस सोसाइटी में मेरा बड़ा नाम है, खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले ये लोग किसी और से पैसा खाकर सोसाइटी में मेरी इज्जत, मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी जंग अब कोर्ट में लीगली लड़ेंगे। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अब माँ से भी बात नहीं करेगी क्या? द्वारका बेटा, चाय बनाऊं तेरे लिए? तूने दरवाजा क्यों बंद किया है? हे द्वारका, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे दरवाजा खोल द्वारका, हे। ये तू क्या कर रही है? नहीं बेटा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई मेरी बेटी को बचा लो, उसने खुद को फांसी लगा ली, कोई तो मदद करो, कोई तो कुछ करो, जल्दी आओ भैया, मेरी बेटी को बचा लो भैया। हे भगवान, हे भगवान, द्वारका। क्या पापा के पास फोन कर दे, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। चलो उठो, ए आ जाओ, खाने का टाइम हो गया, चलो चलो। ए आर मुगम, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, सब अपना अपना हिस्सा ले लो, चलो चलो। ए लड़ना नहीं है, आपस में कोई भी नहीं लड़ेगा, क्या चा? रघुपते, तेरी बेटी ने खुद को लटका लिया है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जल्दी जा। मेरी बेटी, अरे पागल, तूने ऐसा क्यों किया? सॉरी अब्बा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं अब्बा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ
तू बिल्कुल पागल है क्या? तूने एक बार भी नहीं सोचा? मैं करती भी तो क्या करती भैया, मैं डर गई थी। ये जिंदा है या मर गई ये देखने के लिए आए हो बाबा? ये अब तक जिंदा है, जीते जीते से आपने मार दिया। आपने कहा था किसी को कुछ मत करो तो कोई भी हमें कुछ नहीं करेगा। देखिए ये मरने वाली थी, आप अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकते हैं। आप कैसे पुलिस वाले हो बाबा? जाइए जाइए और जाके अधिकारियों के सामने सलाम ठोकिए। जाइए ना, जाइए। प्लीज मत जाओ बा। कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं सब देख लूंगा, वो ठीक है ना? कैसे ठीक होगी सर, मैं एक पुलिस वाला हूँ फिर भी अपनी फैमिली को नहीं बचा सका सर। ऐसा मत सोचो, मैं खुद एक्शन लूंगा। प्लीज कुछ करिए सर। मैं देख लूंगा, तुम ठीक है सर। सर कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। देखो तुमने कंप्लेंट दे दी है ना, बाकी हम देख लेंगे। सरकार ने हमें खाकी वर्दी तुम लोगों की सुरक्षा के लिए तो दिए। आप अब घर जाइए। ठीक है सर। जाइए। हेलो सर, एक लड़की के बाप ने आपके बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट दी है। बस कंप्लेंट ही है ना, जाने सर, लड़की ने फांसी लगाई है। क्या कह रहा है? हाँ सर। एक मिनट रुको, तुम जाओ, जब बुलाऊं तभी आना। लड़की मर गई क्या? नहीं नहीं, लड़की खतरे से बाहर है। तूने एफआईआर फाइल कर दी? अभी नहीं सर, लेकिन मीडिया को पता चला तो आप आज की हेडलाइंस में होंगे। उस लड़की का नाम क्या? दिव्या सर, उसके बाप का नाम रघुपति है। वो ECR में क्रोकोडाइल फार्म में काम करता है। ठीक है, ये मैटर मैं खुद ही देख लेता हूँ। भाई क्या है? इंस्पेक्टर को तुमसे कुछ बात कर। दादे आप बोलो सर, कंप्लेंट किसने दी है? नहीं सर, मैंने अपने भाई को समझा दिया था, ये काम उसका नहीं है। देख सेल्वम, मेरे ऊपर हायर अथॉरिटी से प्रेशर आ रहा है, इसलिए तेरे किसी एक आदमी को पकड़ा है, उसे टॉर्चर करके तेरे अगेंस्ट विटनेस बना लिया है। सारा डिपार्टमेंट तुझे मारने के पीछे पड़ा है। तेरे भाई को भी लड़की छेड़ने का यही वक्त मिला था, वो एक पुलिस वाली की बेटी है। इस केस में अगर FIR हो गई ना तो मैं क्या, ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचा सकता। अभी मैं क्या करूँ सर? कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज कर ले, जाके उन लोगों से बात कर, केस वापस लेने को बोल। पैसा चला गया तो तू वापस कमा लेगा, जान गई तो गई, जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सलमान। परिसुत्तम परिसुत्तम परिसुत्तम, ये कब क्या करेगा? क्या मैं बस यही देखता रहूंगा क्या? ये जमीन पर पीढ़ियों से हमारे पास है, मैं इसमें से एक पत्थर भी किसी को नहीं हिलाने दूंगा। सर अगर उसे कुछ होता है तो हमारे अगेंस्ट शॉर्ट केस बन सकता है। तो क्या मैं उसके पैरों में गिर जाऊं? सर अभी फैक्ट्री ज्यादा जरूरी है। सेल्वम कौन सा घर है रे? वहाँ ऊपर से तीसरा माला। ये कुना कहाँ है? आ गया भाई। नमस्ते, मैं नरुण जेजिया। तुम अपनी माँ के पास जाओ। नमस्ते सर।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सर, अंदर चल के बात करते हैं। ये कुछ फल है मैडम, क्या देख रही हो? मैं गुंडा हूँ लेकिन अभी समझौता करने आया हूँ। ए, तुम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया, यहाँ पर क्यों आयो? ये सामान लो, नहीं दो यहाँ से। तू चुप कर, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। अपना फोन दे मुझे। ये है अप्पा। तेरे पास और कोई कॉपी है? नहीं अप्पा। ध्यान से सुन, इसके अलावा और कोई कॉपी नहीं है। बच्चे मजाक मस्ती में कर बैठते हैं, अब हम बड़े भी ऐसा ही करने लगेंगे तो हम क्या अपने ही हाथों से बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर देंगे? कैसी मजाक मस्ती सर, मेरी बेटी का खुद को पास लगाना मजाक है सर। एक दूसरे के अलावा हम दोनों का और कोई नहीं है सर। मैं ये केस वापस नहीं ले सकता सर। कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे सर। आप शांति से यहाँ से चले जाइए सर। मेरी कंपनी की वजह से किसी को कोई खतरा नहीं है। लोग तो फेसबुक और पेपर में न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ पर बात करने के लिए क्यों आए हो? मेरी फैक्ट्री की वजह से हजारों लोगों का घर चलता है, क्या तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारी हजारों लोगों का घर चलाने वाली बात बस एक छलावा है, उससे लाखों लोगों को जो नुकसान होता है तुम्हें दिखता है क्या? अगली पीढ़ी के आने से पहले ये जमीन बंजर हो चुकी होगी। पॉलिटिशियंस, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, इन सब में से किसी ने मुंह खोला क्या? तुझे इतने कुछ लिखी हुआ है? ये लोग अपने मतलब के आगे कुछ नहीं बोलते, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सब भोले भाले लोग हैं, तुम्हारे असली इरादों का पता चलने से पहले ही तुम इन लोगों को बर्बाद करके यहाँ से कहीं और दफनाना शुरू कर दोगे और आखिर में हम लोगों को यहाँ मुसीबत झेलनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे बेटे को सिंगापुर में ट्रीटमेंट करा दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ सेटल कर दूंगा, कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है, क्या कहते हो? गुनाह को बुला। ओबे, मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुन, मैं खुद कह रहा हूँ, तू काट डाल इस कुत्ते को, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। सर, इस केस को वापस ले लो, तुम्हारा डिपार्टमेंट वैसे भी मुझे अरेस्ट करना चाहता है। इस साले ने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हारी बेटी को भी परेशान किया, अब ये इस एरिया में नहीं रहेगा, इस टाउन में भी नहीं। अब से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको मुंबई भेजने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। केस हम वापस नहीं लेने वाले, जो भी होगा पुलिस स्टेशन में होगा, आप जाइए यहाँ से। कहा सुना ना, तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ। अगर इस केस में एफआईआर फाइल होती है तो ये पेपर, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर तुम्हारी बेटी का तमाशा बनाकर रख देंगे। मेरी भी बेटी है, आज तुम्हारी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुमने उसे बचा भी लिया, लेकिन ये सब बाहर आया तो ये जिंदा भी नहीं बचेगी, तब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए समझा रहा हूं, बीच का कोई हल निकाल लेते हैं। अभी इस वक्त से ही इनमें से कोई भी तुम्हारी बेटी के आसपास नहीं दिखेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तुम समझ रहे हो ना? ए, चप्पल दे। भाई, कहाँ ना चप्पल दे, ये चप्पल पकड़ो, मारो इसको, इससे मार मार के कुत्ता बना दो इसे, तभी भेजे में बात घुसेगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मार साले को। ठीक कह रही हो तुम, मारो इसे। दिव्या, मार साले को, मार।
इस चप्पल से मार साले को। परिसुतम, ये केस कोर्ट में गया तो कभी खत्म नहीं होगा। ला दे, इनमें से एक कार्ड में 25 लाख रुपए है, अभी के लिए इससे अपना काम चला लो। पिन नंबर क्या है? 8888। फैंसी नंबर 8888। चल निकल जा। गाड़ी साइड में लगा। मैं खुद उसके घर नहीं जाना चाहिए था बॉस। पूरी मीडिया ने उसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना रखा है। अगर आपने उसे अभी टच किया तो क्या आप शायद एमपी नहीं बन पाओगे। लोगों के बीच आपका रॉब शायद घट जाएगा। डूड, मेरी बात ध्यान से सुन, इस मैटर को यहीं खत्म कर दे। क्यों बे? कहीं फील्ड में जाके क्रिकेट खेलो। तेरे लिए मैं उससे बात करने गया और तेरे बाप ने उसके हाथ में चप्पल देके मेरा मुंह लाल किया। अगर मैंने इस बात को ऐसे ही जाने दिया तो मेरा भाई मेरे मुंह पे थूकेगा। तो तुझे क्या करना है अभी? इसको क्या हुआ रे गुना? भाई ने सब तेरे भले के वास्ते किया बे। ए, अभी तुझे क्या करना है? उसको उठाने का डिसाइड किया है मैंने। मैं उठाऊंगा अब साली को। रवि को आने के लिए बोल। परिसुत्तम को उठा लो। रुको 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 रुको, जल्दी ऊपर आ जा। बोल कहाँ उतरेगा? चेन्नई भाई। भाई वो बस में ही है, मैं उसके पीछे बैठा हूँ। मैं भी बस के पीछे ही हूँ। उसको किसी सेफ जगह से उठाना पड़ेगा। चल पहले जो काम बोला था उसको कर। बस यहाँ 10 मिनट के लिए रुकेगी। जिसे बाथरूम जाना है चले जाओ, जिसे कुछ खाना है खा लो। खाने के लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं ठीक है, मैं बाथरूम करके। ठीक है। आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, प्याज पराठा, सादा पराठा, हर टाइप का पराठा। अंदर बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठो सर। बाथरूम कहाँ पर? आगे से राइट में जाके सर। आइए मैडम, आइए आइए, अंदर बैठिए, अंदर चलिए, आइए आइए। परिसुताम, बस अभी चलने वाली है। सब लोग वापस आ गए? मेरे साथ वाला अभी तक नहीं आया।
जल्दी जा, बस चलने से पहले ले आ उसको। भाई बाथरूम कहाँ है? आगे से राइट में जाके सर। परिसुत्तम, ए परिसुत्तम, माँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? द्वारका मेडिकल स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। तो आपका दिमाग खराब है? उसे रात में अकेले क्यों भेज दिया? दो दिन हो गए थे घर में बंद हुए, कह रही थी पास में ही जाना है, पास का सोच के मैंने उसे जाने दिया, पर वो अब तक वापस नहीं आई। मैंने उससे फोन भी लगाया पर नॉट कनेक्टेड बता रहा है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जल्दी फास्ट 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 जल्दी। शिट, अब चार्जर कहाँ है? ए ब्रो, द्वारका यहाँ आई क्या? नहीं ब्रो, क्या बात है? वो मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है, बस इसलिए। ब्रो, मैं भी आ रहा हूँ। हे, मेडिकल स्टोर से आने में कितना टाइम लगता है? तूने सही से देखा था ना? हे, मैंने ठीक से देखा था, वो वही है। हे, सामने देख, बस ये साला यहाँ क्या कर रहा है? देख, तू मेरी बात मान, ये सब भूल जा, हम वापस चलते हैं। यहाँ पर द्वारका आई थी क्या? हाँ आई थी, तभी चली गई थी। ठीक है, क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? माँ, द्वारका घर पहुंची क्या? मैंने तुझे उसे घर लाने के लिए भेजा था, तू उल्टा मुझसे पूछ रहा है। वो दुकान पर नहीं है क्या? नहीं माँ, दुकान से तो वो आकर चली गई। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, मैं तेरे पापा को बता दूँ? देखो माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा, आप फोन रखो। ब्रो, कुछ पता चला? द्वारका अभी तक घर नहीं पहुंची है यार। घर भी नहीं है? गुनाह भी ग्राउंड में होगा ना? हाँ ब्रो। चल फिर, किसी गधे ने फ्यूज कैरियर ही निकाल दिया है। सुन, ये ले, द्वारका का फोन ट्राई कर। हे, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में, शहर के बाहर ऐसी जगह है किसी को पता नहीं चलेगा। ए, फोन लगा क्या? ब्रो, नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल? ए, उसको बाहर निकालो रे। लड़ाई फेसबुक ट्विटर पे लड़ी होती तो आज मरना नहीं पड़ता। तूने मुझे खूनी बना दिया परिसुतम। ठीक है भाई, hey डूड, ये क्या हुआ? ये दिव्या नहीं है? साले नशा, क्या बोल रहा है? भाग रही है, देख। ये क्या है बे? अबे ये कब आ गई? मुझे नहीं पता। अभी पकड़ उसको। सालो चलती चलो। अरे परिसुतम, तो तुझे डर नहीं लग रहा? मैं क्यों डरूं? क्योंकि तुझे हम बहुत बुरी तरह मारेंगे। क्यों? अकेले मुझे ही मरना है क्या? क्या तू नहीं मरेगा? तू मुझसे भी बुरी मौत मरेगा। तुझे मारने वाला भी कोई आएगा, तब दिखाई दूंगा मैं तुझे। ah!
लोग यहाँ क्या कर रहे हो है? और ये लड़की कौन है? तू इसे यहाँ क्यों लेके आया? इसने ये सब भी देख लिया? तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो? गधों, ये लड़की आई विटनेस है, मारो उसे। ब्रो, यहाँ भी कोई नहीं है, अब क्या करें? फिर से उसका फोन ट्राई कर। फोन बिजी जा रहा है। बिजी आ रहा है, ठीक है, चल बैठ। प्लीज पा, फोन उठाओ पा। भार्गव, द्वारका तो कहाँ है बेटा? अपा, आप कहाँ हो? आवाज साफ नहीं आ रही है, तो कहाँ है बेटा? आप सुन रहे हैं ना? बात क्या है बेटा? अपा, आप ठीक तो है ना? अपा, 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 आप ठीक तो है ना? अपा, द्वारका, अपा, अपा, कुछ बोलिए ना अपा। कहाँ चली गई? ढूंढो। अरे अभी यही थी, कहाँ चली गई? फोन उठा लो भाई। ब्रो, कॉल है। हेलो। अरे पोरस, अभी तू कहाँ है? तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रहे हो मामा? मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उनको, तू जल्दी से आ जा। आप रुकिए, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ ब्रो? पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कहाँ है लड़की? पापा यही होगी, ठीक से देखो। ठीक से देखो भाई, यहीं कहीं होगी। ए उधर देख। वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, ध्यान से ढूंढो, यही होगी। प्लीज फैजल, फोन उठाओ फैजल, प्लीज। मैं बहुत मुसीबत में फंस चुकी हूँ, कैसे भी करके मैसेज मेरे भाई के पास भेज देना। ए, चल फोन दे, दे फोन। किससे बात कर रही थी? लड़की मिली? साली कब से घुमा रही थी? भाई पकड़ लिया है मैंने उसे। Thank you.
इसने इस लौंडे के पास वॉइस मैसेज छोड़ा है। पकड़े जाने से पहले मैसेज डिलीट कर दिया। भैया, इस लड़के को मैं जानता हूँ, मेरी कॉलेज का है। सर, लड़का उस मैसेज को कभी नहीं सुन पाएगा, और अगर सुन भी लिया तो सुनने के वास्ते जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कह रही है कोई हमें ढूंढते हुए आएगा, है कौन वो? मेरा भाई, मेरा भाई। चल ठीक है, आने दे जिसको आना है। देख किसका फोन है। मारी मामा। कॉल अटेंड करके स्पीकर पे डाल दे। हाँ बोल मारी। सुन, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आया है, मैंने तेरे फोन में फोटो भेज दी है। बता तो काम क्या है? देख लिया? हाँ। अब इस लड़के की और कोई डिटेल मत मांगना, बैंक खुलने के 10 मिनट बाद ही तेरे अकाउंट पे 2 लाख पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? उस लड़के का फोन अभी स्विच ऑफ है, उसके स्विच ऑन करने से पहले उसे स्विच ऑफ कर दे, समझा? ठीक है मारी, तूने बोला है ना, बाकी मैं देख लूंगा। रे पोरस, द्वारका कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? रे पोरस, बेटा मेरी बेटी कहाँ है? द्वारका कहाँ है? हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया माँ, मगर वो कहीं नहीं मिली। पुलिस में कंप्लेंट कर दी हमने। डूड, सुन, सुबह के 6 बजे हमने हर जगह देखा, पर हमें द्वारका का कहीं कुछ पता नहीं चला। ब्रो, शायद द्वारका ने मेरे फोन पे कॉल किया होगा, मैं घर जाके अपना फोन चेक करता हूँ। ठीक है, तू जा। क्या पता चला? मैंने हर जगह देख लिया, लड़का यहाँ नहीं है, उसका घर भी बंद है। ये अपना ही लड़का है ना माँ जी? हाँ, अपना ही लड़का है। ऑफ क्यों है? भेज देना।
रे पोरस, रे पोरस। हमारी द्वारका चली गई, द्वारका की लाश पार। हाय भगवान, मेरी द्वारका। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी तो अंगे उन्नई एंगे तेड़वे, इनी एंगे उन्नई एंगे एंगे तेड़। भाई 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 भाई, मेरी मेरी बहन है वो भाई। ए तुझे ये सब नहीं देखना चाहिए, चल जा, चल जा यहाँ से। सुनो भाई, शमशान में सब तैयारी हो गई है, हमें उधर 3 बजे तक पहुंचना है। फैसल कहाँ है? मैं कब से उसका फोन लगा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसका घर भी बंद है। சொந்தம் உன்னை தொலைக்க வா, ஒரு வார்த்தை பேசு ஏங்கி தவிக்க, மூச்சை நீதான் விட்டு உறங்க என்னை இழக்க, உயிரின் உயிரே எழுநீ. मैंने केस वापस नहीं लेने को कहा था ना बाबा आपसे, आपने खुद तो कुछ किया ही नहीं, मुझे भी इसके लिए कुछ नहीं करने दिया। मेरी बहन की असली कातिल आप हो बाबा। ऐसा मत बोल बेटा, छोड़ो मुझे। एक मिनट, ये एम्बुलेंस में कौन है? सर क्या हुआ? सर एम्बुलेंस में कौन? फैसल था। फैसल था?
उसे क्या हुआ सर? द्वारका के मरने की खबर झेल नहीं सका, इसलिए हाथ के नस काट के मर गया। जिस कुत्ते ने तेरी बेटी की जान लिया है, उसे पुलिस से उलझने का नतीजा अच्छे से पता था। उसने कोर्ट में खुद सिलेंडर कर दिया। बोनू, तुम्हारा एक ही बेटा है, अच्छे से उसका ख्याल रखना। मेरे हाथ में क्या है सर, पता नहीं आगे क्या होना है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अपने दो बच्चों में से बोनू ने एक को खो दिया है, उसके लिए अब तुम ही बचे हो। अपनी फैमिली का ध्यान रखो। से टूट जाएंगी तो हमें हिम्मत कौन देगा? रोने के लिए भी शरीर में ताकत तो होनी चाहिए ना। पहले आप कुछ खा लीजिए। नहीं बेटा, उन्होंने भी परसों से कुछ भी नहीं खाया है। पापा, पापा कम से कम आप तो कुछ खा लीजिए। अब निवाला कैसे उतरेगा? मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। जिस दिन मेरी द्वारका मुझे छोड़कर चली गई, उसने मुझे फोन किया था। मुझे वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मुझे अब अपने बेटे पोरस के लिए डर लगा रहता है। पता नहीं उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा। उसे सब भूल जाने के लिए कहो बेटा। बाबा ने क्या कहा? सब कुछ भूलने के लिए कहा होगा। हाँ। बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ कि भूल जाओ भूल जाओ। आज हमने द्वारका को खो दिया। मैं कुछ नहीं भूलने वाला हूँ मैथिली। जिस दिन गुनाह मेरे हाथ लग जाएगा ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुम्हारे इस गुस्से की वजह से नीचे भी सब डरे हुए हैं, कहीं तुम्हें भी कुछ ना हो जाए। तुम्हें देखकर अब मुझे भी डर लग रहा है। तुम क्या सब भूल नहीं सकते? मैं कुछ कहूँ मैथिली, अच्छे लोगों की जीत और बुरे लोगों की हार, ये सब बस फिल्मों या किताबों में ही होता है। असल जिंदगी में सच्चाई बिल्कुल अलग होती है मैथिली। पता है जब कुत्ता हम पर भौंकता है तो उसे देखकर हम क्यों भागने लग जाते हैं? क्योंकि हमें सामना करने की हिम्मत नहीं होती। शायद उस कुत्ते को हमारे पीछे भागते हुए देखकर कोई बचाने आ जाएगा, लेकिन जब एक इंसान को बीच सड़क पर कुत्ते की मौत मारा जाता है ना, तो उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। इस सोसाइटी में लोगों को पैसे वालों के इशारों पर नाचने की आदत पड़ चुकी है। सलाम ठोकते हैं उन्हें लोग। हमारे पास पैसा होता तो हम भी कुछ भी कर सकते थे मैथिली। पुलिस और कोर्ट से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। उस रास्ते से मत जाओ, वहाँ पर गुंडे हैं। इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ पर खतरा है। बेटा गुंडों से लड़ना मत, लोग तुम्हें भी गुंडा समझने लग जाएंगे। केस वापस ले लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड में नाम नहीं आना चाहिए। बेटे का नाम तो पोरस रख दिया, पर बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। एक दिन सबको मरना ही होता है मैथिली, ये बात उनकी समझ में आखिर क्यों नहीं आती? मैं उसके अगेंस्ट लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या वैसे मुझे मौत नहीं आने वाली? यहाँ सवाल मेरे जीने या मरने का नहीं है, सवाल ये है कि हमें तमाशा देखना है या फिर उनसे लड़ना है। जब सबको एक दिन मरना ही है तो फिर क्यों ना हम उनसे लड़कर मरे मैथिली। देख, द्वारका मर चुकी है, अब रोने से क्या फायदा होगा? ऐसे लोगों के बीच रहने पर खुद भगवान बुद्ध को भी गुस्सा ही आएगा। मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं अभी नहीं लड़ाना तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। हाँ बोल दलपति। अरे डूड, पहले टीवी देख। क्या हुआ? तारे न्यूज चैनल पर अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहले टीवी तो देख। बात क्या है? द्वारका मर्डर केस में एक बड़ा सच सामने आया। लड़कों को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर पैसे ठगना ही इसका काम था।
गुना ने अदालत के सामने ये माना है कि उसने बदला लेने के लिए ही द्वारका का खून किया है। इस केस में एक और खुलासा करते हुए इस लड़की का शिकार बन चुके एक और फैसल नाम के लड़के ने चेन्नई के अपने अपार्टमेंट में सुबह 6:35 पर अपनी जान दे दी। ध्रुव, शायद द्वारका ने मेरे फोन पे कॉल किया होगा। मैं घर जाके अपना फोन चेक करता हूँ। बेटा, सुबह के 7 हैं। मैं जाऊँ? मैं प्रार्थना करूँगी तुम्हें तुम्हारी बहन जल्दी मिल जाए। द्वारका की लाश पार है। उस दिन तो हाँ, बोलो पोरस। फैजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्या आपके पास? हाँ है। क्या मुझे आप डेथ का एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं प्लीज? मैं अभी देखता हूँ। पोरस। हाँ बोलिए मामा जी। यह एग्जैक्ट टाइम 6:35 लिखा हुआ है। 6:35? मामा, द्वारका के बारे में जब आपने मुझे बताया उस वक्त सुबह के ठीक 7 हुए थे, और आप ये बोल रहे हो कि फैजल की मौत 6:35 पर हुई है। द्वारका की डेथ न्यूज मिलने से पहले ही फैजल सुसाइड कैसे कर सकता है मामा? सही कहा सर। सुनिए, परसों मैंने 2 को घर के पीछे वाली खिड़की से कूदते हुए देखा था सर। विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबेट्स.com से। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ऊपर क्या कर रहे थे? रुको। सर, वो दोनों यहाँ से भागे थे। मुझे परसों सुबह का फुटेज देखना है। टाइम बताइए सर। 6:35 कहीं ये तो नहीं है? वीडियो को फ्रीज करो। सर 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 सर, ये दोनों भाई है सर। भाई, उन दोनों के चेहरों पर जूम करो। बस 1 बोरस, आपने भी मान लिया था कि फैजल ने सुसाइड किया है। तूने ऐसा मानने पे मजबूर किया है। अभी क्या करना है? पुलिस के पास जाना है। कैसी बातें कर रहा है? तूने उस दिन पुलिस का कारनामा देखा ना? एक्सीडेंट केस में किसी और को फंसा दिया था। पुलिस कुछ नहीं करने वाली। कुछ नहीं करेगी? पुलिस मुजरिम को पकड़ेगी ना, और कौन पकड़ेगा? हम पकड़ेंगे। सुन, मैं उसे पकड़ूंगा। पुलिस बनने के बाद मुजरिम को क्यों पकड़े? मुजरिम पकड़ के पुलिस वाला बनूंगा। बोरस, देख तो मेरी बात सुन।
इस फोटो वाले का नाम जोसेफ है, यही पास में इसका गांव है। कुंडा सेक्ट में दो बार अरेस्ट हुआ है, इसके नाम पर 4 मर्डर केस दर्ज है। चाहिए? जोसेफ है क्या? मैं चेन्नई से आया हूँ। क्या काम है? जोसेफ हो तो उसे बुला दो ना, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। यहाँ कोई जोसेफ नहीं है। अरे, कौन था? पता नहीं, तुझे पूछ रहा था। चेन्नई से कोई बुलेट पे आया था। चेन्नई से कोई मेरे से मिलने आया था? देखने में पुलिस वाले जैसा लग रहा था। पुलिस वाले जैसा? तूने बुलेट कहा था ना, पर बुलेट के जाने की तो आवाज नहीं आई। जोसेफ, हे हे, तू कहाँ भाग रहा है? फैजल को तूने ही मारा है ना? फैजल को तूने ही मारा है ना? बोल। मैंने उसको मारा था। हाँ, मैंने उसको मारा था। क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? बोल। क्यों मारा? बता। मारी। उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल के उस लौंडे को मारने को बोला था, इसलिए मैंने उसको मारा। मुझे और कुछ नहीं पता। मैंने तुझे सब बता दिया। अभी जाने दे मुझे। मुझे नहीं पता। कहाँ मिलेगा? बोल। मुझे नहीं पता। तिरुनवली, तिरुनवली, तिरुनवली। हट साले। गाड़ी रोक। भाई भाई, यहाँ मारी कौन है? मां जी, ओ उधर ग्रीन शर्ट में जो आदमी बैठा है ना, वही है मारी। मारी, तू ही मारी है? नहीं, मैं नहीं हूँ। देख, उधर जो गंजा बैठा है ना, वही मारी है। मारी, तेरा नाम मारी है? हे चेन्नई का लौंडे, इधर बैठे 16 लोगों में से एक मारी है। असली मारी का पता लगने से पहले तू मर जाएगा। एक चांस दे रहा हूं, अगर असली मारी सामने नहीं आया तो तुम सबको मार पड़ेगी। तुम मेरे से एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। ओए, तू हम लोगों की हड्डियां तोड़ेगा बे? Ah!
कौन है मारी? बता कौन है? बताओ कौन है मारी, जल्दी बताओ, बताओ कौन है मारी? इस आदमी को तूने मारने की सुपारी क्यों दी? बोल क्यों दी? मुझे कुछ नहीं पता। वृद्ध दांडू के मोहन ने मुझे ये काम दिया था। इस काम के लिए उसने मुझे 4 लाख दिए थे। 2 लाख मुझे रखने के लिए कहा और 2 लाख से काम करवाने के लिए कहा। मैंने बस वो सुपारी किसी और को दी थी। मुझे नहीं पता उस लड़के को क्यों मारा गया और किस लिए मारा गया था। अपनी अकाउंट डिटेल्स दे मुझे, जल्दी दे। क्या हुआ, तुम कहाँ हो अभी? पैसे बहुत से लोगों के बीच ट्रांसफर हुए हैं मैथिली। जोसेफ ने मारी का नाम लिया, मारी मोहन का नाम ले रहा है। इनमें से कोई नहीं जानता कि इस काम को शुरू किसने किया था। ये फोटो वाला आदमी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जोसेफ मर चुका है, उसने इसे मेरा नाम बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, मैंने इसे तेरा नाम बता दिया, अब ये तेरे पीछे आएगा। मैं तुम्हें बैंक डिटेल भेज रहा हूँ। इस अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन कब हुई हैं, सारी डिटेल्स मुझे भेज दो जल्दी। ये फोटो वाला आदमी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। जो सिर्फ मर चुका है, उसने इससे मेरा नाम बताया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन, मैंने इसे तेरा नाम बता दिया, अब ये तेरे पीछे आएगा। सर, ये फोटो वाला आदमी आपके पीछे पड़ा है। लड़की ने कहा था उसकी मौत का बदला लेने उसका भाई आएगा, ये वही है। रवि को फोन कर। बोल अनवर। रवि भाई, अभी ये आदमी कहाँ है? बिरुत नगर के मोहन के पास जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर, सर, विरुद्ध नगर के मोहन के अकाउंट में सेलम के किसी अनबू ने 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है। अनबू के बाद इसका नंबर आएगा। अतुल, सेंथिल का भाई। मैथिली, पेरेंदुरई से किसी मनी ने सेंथिल के अकाउंट में पैसा भेजे थे। मणि के बाद किसका नंबर लगेगा? नमक्कल के शिवम का भाई। नमक्कल का शिवम। हे मैथिली, मुसरी से किसी डेविड ने नमक्कल के शिवम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है।
भाई रवि पूछ रहा है उसको क्या करना है। रवि, ये चेन आखिर में कहाँ जाके टूटेगी? गोमती भाई। गोमती से पूछा तो किसका नंबर लगेगा? मेरा नंबर लगेगा भाई। मुझे तेरे ऊपर बहुत भरोसा है रवि, तेरे होते हुए वो मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। सारा अमाउंट रवि के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, उसके आधे घंटे में ही सारा अमाउंट बाकी सबके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। रवि से बात करके ही सवालों का जवाब मिलेगा। तुम अभी के अभी चेन्नई आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। उसका नेक्स्ट टारगेट रवि है। रवि को कुछ नहीं होना चाहिए, रवि का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, समझे? ओके सर। अम्मा, रवि का घर कौन सा है यहाँ पर? रवि का घर सामने जो घर है ना, रवि का ही है। रवि का घर कहाँ पर? हाँ, सामने से दूसरा घर। चल देखते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? ये सब कैसे हुआ? बाथरूम में फिसल कर सर में चोट लग गई है, मुझे छोड़कर चले गए। चल चलते हैं यहाँ से। चल। अभी क्या करना है? तुझे क्या लगता है, ये रवि का मरना नॉर्मल था? ये नेचुरल नहीं था, उसे मारा गया है। मैं समझा नहीं। रवि हमें जिस आदमी का पता बता सकता था उसे बचाने के लिए रवि को मारा गया है। इसका क्या मतलब? कोई तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हम उस तक ना पहुंच पाए इसलिए सब कुछ हो रहा है। तू मेरे को डिटेल में बताना। कोई तो है जो किसी भी झंझट में नहीं फंसना चाहता था, उसने रवि को पैसे देकर फैजल को मारना चाहा, और रवि ने यह काम किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दिया, फिर किसी और को काम दिया गया, और आखिरी में किसी और को, और फिर जोसेफ को। जोसेफ? अगर जोसेफ पकड़ा गया तो वो इसका नाम लेगा, ये आदमी इसका नाम लेगा, ये आदमी उसके पीछे वाले का, और वो उसके पीछे वाले का नाम लेगा। लेकिन इससे पहले ये अपने पीछे वाले का नाम ले, उसने इस आदमी को अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब रवि? रवि जानता था कि उसके पीछे कौन आदमी है। अगर आज हम रवि को पकड़ लेते तो उसका नाम सामने आ जाता। फैजल को मारने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया? पर एक बात तो पक्की है भाई, इस सब के पीछे कोई बड़ा आदमी है। वो चाहे जो भी हो, चाहे जहां भी रहता हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी हस्ती हो, मैं उसे पकड़ कर ही दम लूंगा। उस लड़के का नाम क्या है? पोरस सर। क्या? उसका नाम पोरस है। पोरस। जब कोई अपना मर जाता है तब इमोशनल होना आम बात होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सारा इमोशन अपनी जगह दम तोड़ देता है और सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आदमी उस इमोशंस का पीछा कर रहा है, उसे किसी चीज का डर नहीं है सर। मैं सोच रहा हूँ इस कम उम्र में उसका मरना जरूरी है क्या? इन यंगस्टर्स को क्या मरने से डर नहीं लगता है? इसको अपने माँ बाप की नहीं पड़ी है क्या? ये गधे अपने माँ बाप को बेऔलाद करके ही दम लेगा, ऐसा पाप करने के बदले ऊपर वाला हमें क्षमा करेगा क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चर्च में जाके कन्फेशन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या हुआ डूड? दलपति, फैसल के घर से पुलिस को उसका फोन भी मिला होगा ना, राइट? पता नहीं क्यों,
मुझे लग रहा है कि द्वारका की मौत और फैजल की मौत के बीच में कोई लिंक जरूर है। द्वारका के मर्डर में गुना ने अपने आप को सरेंडर किया था, है ना? ओह शिट! जिस रात पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उनका एक्सीडेंट द्वारका के फोन आने के पहले हुआ था। फैजल भी अपने घर में अपना फोन लेने ही गया था। झगड़े में मैंने द्वारका का नंबर भी एक बार ब्लॉक कर दिया था। तू एक बात समझ रहा है ना? क्या? ये सारे हादसे कहीं ना कहीं फोन से जरूर कनेक्ट हो रहे हैं। अगर फैजल का फोन मिल गया तो हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी उसका फोन किसके पास होगा? नीति राजन। उसके पास है तो सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। मैं बोल रहा हूँ ना सर। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। फैजल की डेथ कैसे हुई थी सर? सुसाइड। आपने कैसे डिसाइड किया कि उसने सुसाइड किया? डॉक्टर ने खुद सर्टिफिकेट बना के दिया था। सर, उनको और ऐसे कितने सर्टिफिकेट लगेंगे अभी? सर, अगर फैजल ने सुसाइड किया है तो उसके सुसाइड के पीछे का मोटिव क्या था? मुझे फैजल का फोन चाहिए। उसका फोन नहीं मिला था। फैजल मर जाता है, उसका फोन मिसिंग है, दो लोग उसके घर में उस दिन घुस जाते हैं और आप केस को सुसाइड मानकर क्लोज कर रहे हैं। ये गिलास नीचे रखो और इस केस को रीओपन करो। चलो मैं गिलास को नीचे रख देता हूँ, पर इस केस को मैं रीओपन नहीं कर सकता। पहले हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर परमिशन लेनी पड़ती है। इन सबका एक प्रोसीजर होता है। तुझे ही पुलिस वाला बनना है ना? तेरे पापा भी इसी पुलिस स्टेशन में, जाके उनसे पूछ ले, बता देंगे तुझे। देख, हम इस केस को संभाल लेंगे। जैसा कि तुमने कहा कि दो लोग घर में घुसे थे, तो उन दोनों को ढूंढने में पुलिस अपनी जान झोंक देगी और उनको उनके कारनामों की सजा दिला कर ही रहेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले ही मर चुका है। मुझको पुलिस ऑफिसर बनना है ये जानने के बाद मैंने इस काम को अपने हाथ में लिया, पर इससे मैं अपने बहन के कातिल का नाम पूछता इसके पहले इसे किसी ने मार दिया सर। आप भगवान को मानते हैं ना सर? हाँ, मानता हूँ। तो फिर आप अपने भगवान से प्रार्थना शुरू कर दीजिए, इसके पीछे जो भी हो बचेगा नहीं। एक हादसे को छुपाने के लिए हमें एक के बाद एक कितने लोगों की जान लेनी पड़ती है। एमपी पोस्ट का सपना हमारी तीन पीढ़ियों का रहा है। अब ये जो भी है, किसी भी हालत में इसके हाथ मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं लगना चाहिए। सपने में भी उसे मेरे पीछे आने का ख्याल नहीं आना चाहिए। एक बात और, चेक करो कहीं हमने उस लड़की से रिलेटेड कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ दिया। इसको कोई भी काम बोले, लड़का एकदम फास्ट स्पीड में कर देता है। आ गया। क्यों भाई, काम कंप्लीट है? अरे ड्यूड, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। पास्कल, मैं इसको बता रहा हूँ तू कितने काम का आदमी है। अरे तेरे से ये काम हो गया नहीं तो करना। कौन से पुलिस थाने के अंडर में क्राइम हुआ ये बताओ। क्राइम नंबर, एफआईआर कॉपी, उसके साथ केस फाइल करने वाले ऑफिसर का लिखा हुआ लेटर भी चाहिए। इन जानकारियों के बाद ही मैं ऑफिशियली प्रोसेस कर सकता हूँ, नहीं तो ये काम बहुत मुश्किल होगा। कार्तिक, समझने की कोशिश करो, उस फोन में क्या है हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ तो करो प्लीज। फिर लीगली ये काम करने में बहुत रिस्क है। हमारे डिपार्टमेंट में काम आने वाला वो सॉफ्टवेयर भी बाबा आदम के जमाने का है। उससे डेटा रिकवर करने की कोशिश करूंगा तो करंट फाइल्स भी करप्ट हो सकती है। कभी कभी हम प्राइवेट ग्रुप्स को भी ये काम दे देते हैं। हैकर्स, उनके पास सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, द्वारका ने लास्ट कॉल किस टावर के पास से किया था ये बता सकते हो क्या मुझे? क्यों रे, तुझे इसके लिए भी किसी बड़े आदमी की परमिशन लगेगी? दुनिया ऐसे परमिशन मांगने लगे तो पता नहीं डेली कितने लोग मरेंगे। ठीक है जान दो, पहले जाके उस हैकर से मिल लेते। चलो। हैकर? हाँ बोल भाई। मुझे तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करनी ब्रो। ब्रो, मेरी दादी गुजर गई है, मैं ये बात कर नहीं हो सकती? मुझे पता है, इसलिए हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है ब्रो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ब्रो। अंकल, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी ब्रो, इमरजेंसी है इसलिए तुझे थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरा दोस्त है। हाय ब्रो। हाय ब्रो, बात क्या है? हमें इसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की सारी फोन कम्युनिकेशंस की हिस्ट्री चाहिए ब्रो। इस टाइम ये काम कैसे पॉसिबल है ब्रो? ठीक है, मुझे अपनी बहन का फोन दो। फोन मिसिंग है तो ये काम और भी मुश्किल है ब्रो। अरे भाई, बड़ा अर्जेंट मैटर है। फिर अपनी बहन से जाके पूछ लो ना बात क्या है। इसकी बहन मर चुकी।
तेरी दादी की एज क्या थी? 75 रही होगी। इसकी बहन बस 21 साल की थी। इसके दर्द का अंदाजा लगा के देख। उसी दर्द के पीछे का रीजन ढूंढने के लिए हम आवारा कुत्तों की तरह भटक रहे हैं। सॉरी ब्रो, तुम्हारे पास फोन होता तो रिकवरी सॉफ्टवेयर से मैं उसका डाटा रिकवर कर देता, पर तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। तुझे तो पता है ना ये प्रोसेस कितना मुश्किल है। पता है ब्रो, अब तू ही कुछ कर सकता है, हमारी हेल्प कर दो ब्रो। ब्रो हम इंटरनेट पे जो भी सेव करते हैं वो सब एक डेटाबेस में सेव हो जाता है, उसके बाद वो डेटा क्लाउड में सेव हो जाता है। क्लाउड एक तरह का वर्चुअल स्पेस होता है। हमें कॉलेज का लेक्चर नहीं सुनना है, तू हमको डिटेल्स दे सकता है? अभी मेरी दादी का श्राद्ध चल रहा है, उसके बाद तुम्हारा काम कर दूं तो चलेगा? ठीक है। ब्रो तुम्हारी बहन का लास्ट फोन कॉल पारानूर फॉरेस्ट के पास वाले सेल फोन टावर से डिटेक्ट हुआ है। पारानूर फॉरेस्ट? माइक, ये आइटम परिसुतम का है ना? चल। बोल पोरस। कल सुबह जेल में गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल कर दीजिए। ठीक है। नीति राजन से ये बात छुपनी नहीं चाहिए। मैं देख लूंगा। ये लड़का भी पागल हो गया है, सारी बातें भूल जाने की बजाय ये लड़का। तू क्या बड़बड़ा रहा है? अपनी बहन की मौत के लिए वो मुझे टॉर्चर कर रहा है सर। अभी भाई साहब को गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल करवानी है, उसका नौकर हूं मैं। चल जा। बस मैंने काम कर दिया। थैंक्स मामा। तुम्हें किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। जो उस लड़की के केस में अरेस्ट हुआ था? हाँ सर। हरामी जब से यहाँ आया हमारी नाक में दम कर रखा है। कितना पैसा हुआ भाई? 150 हुए। ब्रो तुम यहाँ कब से मेरा वेट कर रहे हो? अब कोई बात नहीं, बस फोन की डिटेल्स मिल जाती तो। सॉरी ब्रो सॉरी, मैं बस 10 मिनट में आया, मैं फ्रेश होके बस अभी आता। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई बोल। आज सुबह जेल में गुना ने बिजली के तार को काट लिया। ये तू क्या बोल रहा है यार? गुना टपक गया ब्रो। मैं बाद में कॉल करता हूँ, काम हो गया ना। सॉरी ब्रो, मुझे लगा था कि कोई सिंपल मैटर होगा, पर किसी ने पहले ही सर्वर को हैक करके सारी फाइल्स डिलीट कर दी हैं। इस सब के पीछे ऐसा कोई तो आदमी है जो तुम्हें इस जानकारी तक पहुँचने से रोकना चाहता है। बस एक और चपाती लेंगे? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट सर्वर से ही सारा डेटा उड़ा दिया है। अभी कोई भी जीनियस कुछ भी करके इस फोन से डेटा रिकवर नहीं कर सकता। सर अभी तक हमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा है? दूसरी स्टेट से गुंडे भिजवा के उसका काम तमाम कर दे क्या? बच्चा ही तो है सर। क्या बस बच्चा? अभी ट्रेनो वाली में 16 लोगों ने उस पर अटैक किया था, मालूम अभी तक उनमें से किसी को भी डिस्चार्ज नहीं मिला हॉस्पिटल से। उसे टच करने वाला अपनी जान गंवा देगा, नहीं तो फिर कोई लीड लग जाएगी उसके हाथ। नीति सर, चूहे का पीछा करने वाला सांप खतरनाक होता है या सांप का पीछा करने वाला चूहा? सांप खतरनाक होता है सर। नहीं, चूहा खतरनाक होता है।
सांप का शिकार बस एक चूहा होता है, पर चूहा पूरे घर में तूफान मचा सकता है, समझा कुछ? मैंने उसे छोड़ा तो वो कोई ना कोई सबूत लेके मीडिया के सामने पहुंच जाएगा, उसके बाद मेरा पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल जाएगा। मैं एमपी नहीं बना तो मेरा बाप मर जाएगा, इसलिए मेरे एमपी बनने तक उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। पर तूने क्या किया गुना को मार के? तू ये कहना चाहता है तूने ये सब मेरे लिए किया? हमने उसके लिए जाल बिछाया था, पर उसने उस जाल को हमारे चारों ओर बिछा दिया। तू अपनी मर्जी से जाके खुद ही उस जाल में फंस चुका है। हम फंस चुके हैं क्या सर? पहला नंबर तेरा है, तेरे बाद उसका, उसके बाद मेरा। इस सबसे बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या सर? है ना, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, उसके लिए हमें एक और खून करना पड़ेगा। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, रिटायरमेंट की उम्र में मुझे जेल में दिन नहीं गुजारने हैं सर। सर आप कुछ कीजिए, मैं रिटायरमेंट की अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ सर। ए, कम आवाज कर। कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारा इंटरव्यू है, बहुत लोग के ऑब्जेक्शंस के बाद ही मैंने लिस्ट में तुम्हारा नाम इंक्लूड कर दिया है। सेक्रेटरी में काम कर रहा हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। कल सुबह मेरा इंटरव्यू है, आज का दिन उसके लिए आखिरी होगा। एमपी की पोस्ट मिलने के बाद सबसे पहले उस चूहे का क्रियाकर्म होगा। इतने दिनों से तू मुझे परेशान कर रहा था, आज जाके फंसा है। इसमें क्या है माँ? चूहा है, आज जाके फंसा है। माँ तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? पीछा छुड़ाने के लिए इसे पानी में फेंक दूंगी। अरे माँ ये सब कुछ पाप होता है, तू मुझे। रे पोरस, इसे कहीं हमारे घर से दूर फेंक कर आ। द्वारका, फैजस, जोसेफ, रवि और भी नीति राजन, हे पोरस तुम क्या सोच रहे हो, अब तुम क्या करोगे? मैथिली तुमने नोटिस किया, मैं जहां पर भी जाता हूं उसके पहले कोई ना कोई वहां पर पहुंच चुका होता है और एविडेंस को पहले मिटा देता है। मेरी आखिरी उम्मीद बस वो हैकर ही बचा था, उसने भी पूरी कोशिश कर ली पर एंड में बात नहीं बन पाई। वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी एक सबूत छोड़ ही देता है अपने पीछे, पर ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। पता नहीं मैं इन लोगों तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तुम नहीं ढूंढ सकते हो, पता है ये चूहा क्या करता है? ये एक घर से दूसरे के घर में खुदाई करके कैसे भी हमारे घर तक पहुंच ही जाता है। दीवारों में सुराख करने वाला ये चूहा आधे इंच की लकड़ी को नहीं काट सकता, पता है क्यों? क्योंकि इसका दिमाग टेंशन से बाहर जाता है। मैं क्या करूं, अब क्या होगा, ये सोच सोच कर अपने दिमाग पे बहुत प्रेशर डालता है, लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचे तो ये भी पिंजरे से बाहर निकल सकता है। इस चूहे की तरह तुम भी जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें भी शांत दिमाग से सोचना होगा। उसने तुम्हारी बहन को मार दिया है, फिर बेचारा फैजल भी नहीं रहा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसे सोचने का मौका ही मत दो, तुम उसे ढूंढ लोगे। रे पोरस, सलाह देने के लिए सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, पर सॉल्यूशन देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मारी, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाले, उस लौंडे को मारने को बोला था। आज सुबह जेल में गुना ने बिजली के तार को काट लिया। ब्रो तुम्हारी बहन का लास्ट फोन कॉल पारोनर फॉरेस्ट के पास वाले सेल फोन टावर से डिटेक्ट हुआ है। अगर तुम्हें मजे के लिए लड़की चाहिए तो पैसे देकर कॉल कॉल क्यों नहीं बुला लेते? तुमने उसे किडनैप क्यों किया? हमारा प्लान है, उस लड़की को उठाना नहीं था, किसी और को उठाना था। क्या बोल रहा है? हाँ भैया, मुझे किसी और लड़की को उठाना था। आप डांटोगे इसीलिए मैंने उस वक्त बताया नहीं। अपने दोस्तों को फोन लगा। मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था। भाई हमारे पास दिव्या और कृष्णा का वीडियो फुटेज था, हमने उसे वीडियो को लेके ब्लैकमेल किया था, पर उसने हमारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी। केस वापस लेने की बात करने के लिए हम गौतम के बाप के साथ उसके घर गए थे।
अन्ना हमने बहुत ट्राई किया लेकिन दिव्या नहीं मानी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब गौतम के बाप ने हमें चप्पल से मारने के लिए उससे कहा और उसने इला को चप्पल से मारा। भाई मुझसे एक वॉइस तो मिस हो रही है, ये वॉइस किसकी है? माँ मैं मेडिकल शॉप से अभी वापस आती हूँ। एक और वॉइस है। द्वारका मेडिकल स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। वन मोर वॉइस। हाँ आई थी, तभी चली गई थी। अभी मुझसे कोई एक वॉइस मिस हो रही है, किसकी वॉइस बची है? किसकी वॉइस मिस हो रही है? कौन है वो? कौन है वो? किसी गधे ने फ्यूज कैरियर ही निकाल दिया। द्वारका मेडिकल शॉप के लिए निकली, फिर मेडिकल शॉप से वो घर आ रही थी, किसी ने फ्यूज कैरियर निकाल दिया, फिर हे गौतम, तुम लोगों ने कैसे और कहां उसे उठाया था? भाई मैं लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को पता था तो उसका पीछा कर रहा है? उसने पलट के मुझे देखा, मुझे देखने के बाद वो घबराहट में तेज से चल रही थी। मैंने गली के नुक्कड़ पे रुक के अल्लाह के पास फोन किया था ये बताने के लिए कि दिव्या आ रही है। अल्लाह तू क्या कर रहा था? मैं और इला सड़क के बीच में खड़े थे, हमने जब दिव्या को देखा तभी इला ने मुझसे स्ट्रीट लाइट बंद करने को कहा था, तभी मैंने स्ट्रीट लाइट का फ्यूज करियर निकाल दिया था। बाइक मतलब लड़की ने गौतम को देख लिया था, उसे डर लगा होगा कि गौतम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। डर में उसने हेल्प के लिए इधर उधर देखा होगा। इला तुम्हारी और लड़की के बीच में आसपास कोई दुकान या घर रहा होगा, ध्यान से सोच। एक मेडिकल शॉप थी भाई। पक्का ही लड़की मेडिकल स्टोर में ही गई होगी। सोच अगर क्लू पाने के चक्कर में वो मेडिकल स्टोर गया तो। सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन बाहर जाती है और डरी हुई दिव्या अंदर आती हुई दिखेगी सर। अगर उससे पूछा तो वो डरी हुई क्यों? वो आपके भाई के बारे में बता देगी। उसने मेरे भाई को पकड़ लिया तो? हम भी पकड़ लिए जाएंगे सर। उसके ढूंढने से पहले उस लड़की को उठा लो। अंदर आते ही लड़की डरी हुई क्यों है? पता नहीं पोरस, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा वो बस खड़ी रहेगी और उसके पापा आकर उसे ले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। तुझे पता है इसका घर कहां पर है? पास में ही है, बगल वाली गली में चौथा मकान। भाई दिव्या का घर यही है क्या? हाँ भाई। घर में तो ताला लगा हुआ है, आपको पता है दिव्या कहाँ है? अरे कोचिंग सेंटर में गई होगी। कौन से कोचिंग सेंटर में गई होगी पता है आपको? मुझे नहीं पता। ठीक है, उसका फोन नंबर तो आपको पता होगा ना? हाँ पता है। क्लास बहुत बोरिंग थी है? आज कुछ ज्यादा लेट हो गया ना? मुझे नोट्स फॉरवर्ड कर देना। ठीक है कर दूंगी। बाय सी यू। हाँ हाँ बाय बाय। अच्छा तो सेंटर यही है क्या? यही है। लड़की का नाम क्या बताया? दिव्या। तो यहाँ से हिलना मत, मैं उसे देख कर आता हूँ। आप कौन है? दिव्या कहाँ पर है? वो तो अभी अपनी क्लास खत्म करके चली गई। कितनी देर पहले निकली? थोड़ी देर पहले, करीब 10 मिनट हुए होंगे। हेलो दिव्या। हेलो कौन मैं, बोल रहा है? मैं पोरस बोल रहा हूँ दिव्या। मैं पोरस बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो दिव्या। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है?
दिव्या, हेलो दिव्या, दिव्या मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कहाँ पर हो? हेलो, आप कौन बोल रहे हो सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्या, मेरी आवाज आ रही क्या तुम्हें? सर मेरे फोन की बैटरी भी कम बची, आप बता भी नहीं रहे आप कौन हैं। हेलो हेलो दिव्या, हेलो हेलो दिव्या, यही है दिव्या। अरे सामने स्कूटी वाली लड़की अपना टारगेट है, कोई भी सबूत बचना नहीं। ठीक है भाई। लड़की अभी जिंदा है, मार दो साली को। दिव्या, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो। मुझे 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 बस एक बात जाननी है दिव्या, उस दिन मेडिकल शॉप में जब तुम गई थी। भैया, मेरी ओर देखो, अपनी आंखें खोलो दिव्या। दिव्या तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो दिव्या, तुम ठीक हो जाओगी। तुम उस दिन मेडिकल शॉप में जब गई थी तो तुम किससे डर रही थी? डॉक्टर आ चुके हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, तुम ठीक हो जाओगी। दिव्या दिव्या तुम सांस लो, दिव्या दिव्या होश में आओ, दिव्या दिव्या तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, मेरा यकीन करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखना दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अब कैसी है वो? डॉक्टर मैं कुछ नहीं कर सकता सर। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बस सांस चल रही है।
लड़की ने कुछ बताया? मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ। जात अपनी है सर, हम लोग सेफ हैं। इसके बाद हमारे सामने कोई परेशानी नहीं आई। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लड़की कोमा में है। ये सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट है भाई, इस खास मौके पे हमें और क्या चाहिए। अभी आराम से केक काटो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सर, इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर यू सर। थैंक यू माइक, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भैया, मैं मरने वाली हूँ, मैं जिंदा नहीं बची तो मेरे मरने के पीछे वेदा केमिकल्स फैक्ट्री के ओनर नेदुन चिड़ियान का हाथ होगा। मेरा किडनैप एलन चिड़िया और उसके दोस्तों ने किया है, ये सब हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं। जब मैं उनके जंगल से भाग रही थी तो तभी मैंने नेदुन चिड़ियान को सोशल एक्टिविस्ट वारिस उत्तम को मारते हुए देखा था। अभी ये लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने मुझसे कहा था मैंने जीने के लिए औरों को मारने वाले लोग शैतान से कम नहीं होते, अभी मैं ऐसे ही शैतानों से घिरी हुई हूँ। भैया, इन शैतानों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। माँ और पापा का ध्यान रखना। माँ तुम्हारे पर गुस्सा करेंगे तो बर्दाश्त कर लेना, माँ को तुम्हारी बहुत परवाह है। भैया, माँ से कहना टाइम से अपनी शुगर की दवाइयाँ लेती रहे। आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं है, पर लगता नहीं मैं जिंदा बचूंगी। I will miss you, भैया। देव द्वारका। अभी क्या करना है सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब खत्म हो गया। मुझे उसके साथ लड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके मेरे पास आने से पहले मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा सम्मान के खातिर। बाबा, तुझे तेरा बाप चाहिए या तेरी बहन मरी थी, उस जगह पे जा। तू है कौन रे? गाड़ी का दरवाजा खोल के सैल्यूट मारने वाला कुत्ता है तू। तेरे बेटे के कर्मों की वजह से हमें तुझे यहां उठा के लाना पड़ा। तेरा बेटा क्या शांत नहीं बैठ सकता क्या? एक के बाद एक पहलू जोड़कर मुझ तक पहुंच गया। तू क्या देख रहा है? तेरी बेटी को हमने मारा था। हाँ, उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं करता भी तो क्या करता? तुम लोग खूनी हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। तू भी चैन से नहीं मरेगा। तुम लोगों की मौत तुम्हारे पास आ रही है। देख मेरा बेटा आ गया, आप तुम में से कोई नहीं बचेगा। तेरी बहन के खूनी है ये लोग। बोरास
हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले सारे लोग यहीं खड़े हैं। इस कमीने ने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा था। मुझे ये बात बता के खुद को बड़ा महान समझ रहा था। चल रे आ, इतने दिनों से जिसे तू कुत्ते के जैसे ढूंढ रहा है तेरे सामने खड़ा है वो। अब तूने देख लिया ना मैं कौन हूं। तुझे तो सच में पुलिस में होना चाहिए पोरास। देख ले, ध्यान से देख ले मुझे। आप मुझे अब भी रोक रहे हैं बाबा। इतने दिनों से मैंने ही तुझे रोका हुआ था। मैं बात बात में तुझे नहीं रोकता तो हमारी द्वारका भी जिंदा होती। इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया तो जैसा हमारे साथ इन्होंने किया है पता नहीं ये और कितने लोगों के साथ करेंगे। और ऐसा तू पुलिस बनेगा या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन इन लोगों में से यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। मैं यही खड़ा सबको देखूंगा। मार सालों को, एक एक को चुन चुन के मार। आजा आजा आजा। साले तूने मुझे पागल बना दिया। आजा आजा। मेरे सामने खड़ा होने की तेरी औकात नहीं है। तुझे क्या लगा तू आएगा और मेरा एम्पायर खत्म कर देगा? अपनी औकात इतनी ज्यादा समझ ली तूने? तू इस चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था ना, अभी देख लिया ना? तुझे भी मैं तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा। सब सही है। जब तक आम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे तभी तक तुझ जैसे लोग महान बनते रहेंगे, लेकिन अगर मेरे जैसे एक भी आदमी का दिमाग फिर जाए ना तो। लड़कियों से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? ये रितो, देख तेरी अकड़ कैसे निकालता हूं मैं, देख। मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए तो मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। जब इस हरामी भाई के लिए तेरा कलेजा फट सकता है तो एक बार सोच, अपनी बहन को खोने के बाद मुझे कैसा लगा होगा। सुनिए मोल, Hey!
मारना नहीं, मार सालों को। लोगों को मारने के बाद तुम पुलिस वाला कैसे बनेगा रे? हैं? तेरी लाइफ भी खत्म। हाँ बोल भाई। सेल्वम भाई, तुम्हें अगर गुना के हथियारों को मारने का मौका मिले तो क्या तुम उस आदमी से बदला लेना चाहोगे? तुम्हारा जवाब सुनना है मुझे। सालों को कुत्ते की मौत मारूंगा, फिर जहां कहता हूं वहां पर आ जाओ। भाई, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मेरे मन की शांति के लिए ये काम मुझे करने दो। तुम पुलिस बनने का सपना पूरा करो, इस हादसे का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सर, मेरे बेटे को लापता हुए 3 महीने हो चुके हैं। आपने इसके बारे में क्या एक्शन लिया अब तक? पुलिस की फैमिली तक सेफ नहीं है। मिस्टर कातमतु, मत भूलिए आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सेफ नहीं है। तुम्हारे अकेले का बेटा नहीं है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आदमी भी लापता है। पूरे 16 लोग मिसिंग है, अभी तक एक छोटा सा क्लू नहीं लगा है। हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अगर वो लोग मर चुके हैं तो 16 बॉडीज को कैसे डिस्पोज किया? There is a mastermind behind this. अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। But I will find him. I will find him. May I come in, sir? Come in. Sir, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सर। पोरस, क्या मतलब? पोरस का मतलब पुरुषोत्तम होता है सर। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर हमला किया था, उसने एक बड़े हाथी पर सवार होकर अलेक्जेंडर का सामना किया था। भारत देश का गौरव है पोरस सर। इंटरेस्टिंग, लेट्स गेट रेडी टू फेस द वॉर देन। यस सर। मीट आरएसपी मिस्टर कातमतु। जानता हूं सर, मैंने न्यूज में देखा था इनका बेटा पिछले 3 महीनों से मिसिंग है। यू सीम टू बी वेल इन्फॉर्म्ड यंग मैन। यस, बाय द वे योर अपॉइंटमेंट ऑर्डर, या हियर यू गो। पोरस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। बर्बाद हो गया। मैंने केस वापस ना लिया होता तो आज मेरी बेटी का यह हाल ना होता।
है, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, इन हड्डियों में अब जान नहीं बची। लेकिन अगर मेरे अंदर जान होती तो मैं उन लड़कों को काट डालता, उनके मांस को जानवरों के मांस के साथ मिला के भूखे मगरमच्छों के आगे फेंक देता, मगरमच्छों के सामने फेंक देता। हम ये इसकी माँ को क्यों नहीं दे देते? नहीं मैथिली, जब तक ये इस बात को जानेगा नहीं तब तक ये मजबूत बना रहेगा। हम सबके सामने ऐसा करेंगे तो ये पब्लिसिटी बनकर रह जाएगा, वैसे भी कभी इसे पता चलना ही है। आओ चलें।